सो स्टार्टिंग विथ अनदर चैप्टर ऑफ 11th फिजिक्स, यहां पर हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर में शुरू में बहुत सारी चीजें हैं गैलीलियो के लॉज के बारे में और कुछ बेसिक बताया है, बट आप उसको रीड करके और सीधा यहां पर मेन मुद्दे पर आ सकते हो। और 9th से जुड़ा हुआ टर्म है, लेकिन ऑब्वियसली एडवांस है, यहां पर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट शुरुआत वही हमको लगेगी। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक टर्म नीडेड है पहले मैं वो बता दूँ, फिर लॉज के ऊपर आऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म फोर्स। फोर्स क्या होता है? अब जैसे हमने 8th में पढ़ा था कि फोर्स इज एनी मतलब पुल और पुश, तो यानी किसी चीज़ को खींचना या ढकेलना, ओके, हम उसको फोर्स कह सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा उसको और इलैबोरेट करेंगे। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, ये एक बाहरी एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ठीक है, कोई भी चीज़ पे हम एफर्ट लगाते हैं उसको पुल और पुश करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है? इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। मतलब जरूरी नहीं है कि हम फोर्स लगाएं तो वो बदलाव हो ही जाए, है ना। जैसे एक दीवार को पुश कर रहे हैं तो उस थोड़ा ना पुश हो जाएगा, उसका मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो यानी कि इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज लगाना भी जरूरी है। क्या चेंज कर सकता है, क्या कोशिश कर सकता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज रेस्ट में है तो मोशन में लाई जा सकती है फोर्स लगा के। और ऑफ मोशन, मोशन में है तो उसका स्पीड बदला जा सकता है। और डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है ना, फोर्स अप्लाई करके। जैसे एक फुटबॉल आया या किक मारा, डायरेक्शन चेंज हो गया। और डायमेंशन ऑफ द बॉडी, डायमेंशन मतलब शेप साइज, फोर्स लगा के हम किसी चीज का शेप साइज भी बदल सकते हैं। सो ओवरऑल क्या है फोर्स? देखो उसमें टर्म्स एक एक जो है इंपॉर्टेंट वो देख लो। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, बाहरी एफर्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन और डायरेक्शन और डायमेंशन, डायमेंशन ही शेप और साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया द अबिलिटी ऑफ बॉडी, एक्चुअली यहां इनेबिलिटी लिखा जाए, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में है ये। द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी मतलब कोई चीज, हमने पढ़ा है इनर्शिया 9th में कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप से मोशन में नहीं चलती, और कोई चीज इनएनिमेट थिंग की हम बात कर रहे हैं, और कोई चीज अगर मोशन में है तो वो अपने आप से रेस्ट में भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि हमको पता है वो बाहर का फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक ये चेंजेस नहीं, और ये इनफैक्ट फर्स्ट लॉ भी यही है, राइट। सो इनर्शिया इज द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी चीज रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने आप से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकती। इस उसकी टेंडेंसी को, इस नाकामी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, और इनर्शिया में भी तीन टाइप्स हमने 9th में पढ़े थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो वो अपने आप से मोशन में नहीं आ सकती, है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई चीज अगर मोशन में है तो वो अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकती। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? कि कोई चीज अगर एक डायरेक्शन में चल रहा है तो बिना किसी फोर्स के वो डायरेक्शन चेंज उसका नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो, ये ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड का पीस रखा हुआ है, इस पे कॉइन रखा है, समझो 5 का, 2 का, 1 डॉलर रखा है, 5 का ज्यादा अच्छा होगा, और इसको हमने एक तेजी से फ्लिप किया तो ये जो कॉइन है ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा, ये ग्लास में गिरेगा। सो ये कौन सा इनर्शिया को फॉलो कर रहा है? दिस इज फॉलोइंग द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो रेस्ट में था और वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा, वो अपने आप से मोशन में आने की कोशिश नहीं करेगा। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही मान लो कि अगर कोई गाड़ी चल रही है, हम सपोज ट्रेन में बैठे हैं जो मूव कर रही है, अगला प्लेटफॉर्म आ रहा है, और अचानक से ब्रेक अर्जेंट वाला लग गया तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो उस मोशन को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, और वैसे ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर हम किसी व्हीकल में जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और अचानक से ड्राइवर ने एक राइट टर्न ले लिया तो हमको लेफ्ट की तरफ हम मूव हो जाते हैं, लेफ्ट टर्न लिया तो राइट की तरफ मूव हो जाते हैं, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब अचानक राइट टर्न ले लिया तो असल में हम लेफ्ट नहीं जा रहे, हम वो उसी स्ट्रेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमको लग रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं, बस हम स्ट्रेट डायरेक्शन को, जैसे सीधे जा रहा था
तो हम वो सीधे डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ टर्न हो गई गाड़ी तो हमको लग रहा है कि हम लेफ्ट में हो गए, बट हम वो स्ट्रेट डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, यहां पर लीनियर मोमेंटम भी क्या है, देखो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। कोई चीज जब मूव करती है तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, लीनियर मोमेंटम। हम यहां पर एंगुलर मोमेंटम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ओके, सो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मास का है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब याद रहे कि इलेवेंथ में हो तो सिर्फ स्केलर वेक्टर बताने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यूनिट बताने से काम नहीं चलेगा, एसआई सीजीएस, आपको यहां पर हमेशा डायमेंशंस भी याद रखने होंगे या निकालने पड़ते होंगे। इसके बाद न्यूटन का लॉ, यहां पर पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर उसका थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहां पर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये असल में इनर्शिया के को ही इलैबोरेट करता है। तो पहला लॉ क्या है, देखो, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट। तो यानी कि कोई भी चीज अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना कंटिन्यू करेगा, अगर वो एक स्पीड से चल रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो वो उसी स्पीड से लगातार कंटिन्यू मूव करता रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसका स्टेट को चेंज नहीं करता, ठीक है। यानी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स द बॉडी कैनॉट चेंज इट्स स्टेट। मतलब ऑब्वियसली दिस इज इनर्शिया के बारे में ही बताया जा रहा है ना। अब इसमें यह है, तुम बोलोगे सर कोई चीज मूव कर रही है वो तो अपने आप रुक जाती है कुछ देर में, अगर फोर्स ना भी लगाए तो रुक जाती है, रुक जाती है तो वहां पर फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तब तो भाई वो उसका जो स्टेट है वो वैसे कंटिन्यू रहता। इसके बाद सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ इसको रियल लॉ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं वो सब आगे हम चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड लॉ सेकेंड लॉ के अंदर कंटेंट होते हैं, पर वो सब चीजें हम आगे प्रूव करेंगे। सेकेंड लॉ क्या है, वैसे मैथमेटिकल है थोड़ा सा लॉ, जहां पर हमको फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू एम ए, जो ये फॉर्मूला मिलता है फोर्स का वो यहीं से मिलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ द फोर्स। उसका डायरेक्शन बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन में होता है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। सो सेकेंड लॉ, यहां पर वी हैव सपोज अ बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u और उसका मास है m, और इसको एक्सेलरेट किया गया बाय वैल्यू a सच दैट इसका जो नया वेलोसिटी है वो v हो गया, और ये कितनी टाइम में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, लेट दैट टाइम बी t, और ये एक्सेलरेट कैसे हुआ, बाय सम काइंड ऑफ फोर्स जो इस पर अप्लाई हुआ, f। तो अब इधर क्या कहा जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा पी, और डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट ऑफ का मतलब हमेशा याद रखो अपॉन टाइम होता है। अब यहां पर क्या कहा गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, या फिर मैं लिख सकता हूं द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज डाल दो, यानी फाइनल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी विल बी फाइनल मोमेंटम, राइट, और वैसे ही मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी विल बी इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये वाली चीज जो है हम कैलकुलस के फॉर्म में आगे करेंगे, अभी फिलहाल वही जो हमने 9th में करा था कैलकुलस के फॉर्म में मैं यही चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स के भी जो भी यूनिट्स हैं जितने भी टाइप के वो सब चीजें हम सीखेंगे आगे। सो एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट आ गया, और इस वाले में से आप मास को कॉमन निकालो, अंदर बचेगा वी माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन, तो यानी ये ए हो गया और ये एम हो गया, और के की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली 1 ऑब्टेन करी गई, ठीक है, जब फोर्स को 1 न्यूटन का अप्लाई किया गया 1 केजी के बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऑब्टेन हुआ, और जिससे के की वैल्यू यहाँ पर 1 ऑब्टेन हो गई। तो अगर ये 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमको एफ इज इक्वल टू एम ए ये फॉर्मूला मिल गया। पहला जो लॉ है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें हमने क्या बोला कि ये इनर्शिया के बारे में बताता है, कोई भी चीज बिना फोर्स के उसका स्टेट चेंज नहीं हो सकता, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में, और जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि इन द एब्सेंस ऑफ एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब मान लो कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लग रहा, ठीक है, नेट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकता। एक्सेलरेट मतलब क्या, कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज नहीं हो सकती, है ना। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और जिस स्पीड से चल रहा है अगर, तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। मतलब जब तक फोर्स काम में नहीं आएगा तब तक बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो वो तो हमको फॉर्मूला से भी दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर फोर्स को जीरो कर दो तो एक्सेलरेशन भी वहां पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो डिटेल जो है हम आगे देखेंगे इसमें। इसके बाद थर्ड लॉ तो हमको सबको पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स हमेशा पेयर में, कभी सिंगल नहीं होता, पेयर में होता, जोड़े में। एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो इसका यह मतलब है कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, बस डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तुम बोलोगे सर एक ट्रक ने एक साइकिल वाले को धक्का मारा तो क्या लगता है कि दोनों का फोर्स सेम रहेगा? फोर्स सेम रहता है लेकिन इंपैक्ट जो है साइकिल वाले पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर होप कि भाई बेसिक मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है, और जो है इसका और डिटेल इसी, मतलब इनका ही एग्जाम्पल एंड ऑल और डिटेल्स जो है वो हम चैप्टर में आगे सीखते रहेंगे। अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फोर्स के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के यूनिट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद सेकेंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है, वाई सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये हम यहां पर देखने वाले हैं, ओके। और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एकदम सीधे डायरेक्ट एप्लीकेशन में काम आएंगे, तो ध्यान देना है। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन और डाइन तो वैसे सुनी है, पर ये एब्सोल्यूट यूनिट्स है। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब नॉर्मली हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो इन्हीं यूनिट्स को पुट करते हैं, ओके। एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है डाइन, एंड 1 न्यूटन इज 10^5 डाइन। ये हमने डायमेंशन वाले पार्ट में भी इस चीज को वहां पर प्रूव करा था। अब इसके अलावा एब्सोल्यूट यूनिट के अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है फोर्स की, एंड कौन सी है? देखो ग्रेविटेशनल यूनिट में जो एसआई फॉर्म में है वो है केजी वेट या फिर केजी फोर्स, और 1 kg वेट या 1 kg फोर्स इज अबाउट 9.8 न्यूटन। अब होता ये है कि, और वैसे ही यहाँ पर CGS में ग्राम वेट है, ग्राम फोर्स है, 1 gram वेट इज 980 डाइन। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, वाई मतलब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपको फोर्स की वैल्यू जो है, या एफ इज इक्वल टू एम, या बहुत चीज़ें कहीं भी फॉर्मूला लगाना हो, फोर्स की वैल्यू आपको न्यूटन या डाइन में नहीं दी है। तो अगर आपको केजी वेट या केजी फोर्स में या ग्राम वेट या ग्राम फोर्स में दिया हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये कन्वर्जन आने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपको 1 kg समझो कि फोर्स दिया है 5 kg फोर्स, तो उसको कन्वर्ट करना होगा आपको न्यूटन में, तो कितना हो जाएगा 5 × 9.8, और ये हो जाएगा आपका न्यूटन में। ऐसे ही मान लो कि अगर आपका ग्राम वेट में दिया है, जैसे कि 5 gram वेट या 5 gram फोर्स, तो क्या करोगे उसको, पहले तो उसको हम डाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 5 × 980, ये हो गया डाइन। अभी 1 dyne इज इक्वल टू 10^-5 न्यूटन, यानी इस चीज को हम 10^-5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके फाइनली ये न्यूटन में हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये कन्वर्जन्स आने चाहिए, ओके। ध्यान से देख लीजिए, 1 gram फोर्स या सॉरी 1 kg फोर्स या 1 kg वेट इज 9.8 न्यूटन। याद रखना आसान है, जी की वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, वो आपका एसआई फॉर्म में 9.8 है और सीजीएस फॉर्म में 980 है। बस वही याद रखो, यहाँ पर केजी वेट जब कन्वर्ट करना होगा तो 9.8 न्यूटन लिख देना, और ग्राम फोर्स या ग्राम वेट कन्वर्ट करना हो तो 980 डाइन लिख देना। इसके बाद अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ
दिस चैप्टर दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको रियल लॉ क्यों कहा जाता है. सबसे पहले सेकेंड लॉ कौन सा वाला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स. ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड लॉ है. और ये इसको रियल लॉ क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ये है बिकॉज द फर्स्ट एंड थर्ड लॉज ऑफ आर कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. मतलब जो हमारा न्यूटन का पहला लॉ है और जो तीसरा लॉ है, ये दोनों ही सेकेंड लॉ में आते हैं, कंटेन्ड होते हैं. तो उस चीज को हमको एक्सप्लेन करना, जैसे कि यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ कैसे सेकेंड लॉ में आ रहा है वो हम देखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में है कि जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो उसी स्टेट ऑफ मोशन में स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूड रहेगा. तो यानी कि हमको ये चीज प्रूव करनी है सेकेंड लॉ को यूज करके. स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हमको पता है कि सेकेंड लॉ में ये फॉर्मूला हमको मिला था F=ma वाला. अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट पार्ट वाला देख लीजिए, वहां पर पता चल जाएगा कि सेकेंड लॉ से ही हमको F=ma का फॉर्मूला मिला था. तो ठीक है, हमने सेकेंड लॉ को अप्लाई कर दिया. इसी चीज को यूज करके हम फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को निकालेंगे. देखो कैसे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स मान लो बॉडी पे नहीं लगाया तो इस वाले फॉर्मूला में F की वैल्यू तो जीरो हो गई, और अगर F जीरो हो गया तो देखो F जीरो हो गया तो ma भी जीरो हो गया, मतलब ma की वैल्यू जीरो हो गई. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो F जीरो, और F क्योंकि F=ma है तो ma भी जीरो हो गया. अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का मास तो जीरो नहीं लिया था हमने, मतलब इफ एज m इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ma जीरो है और m जीरो नहीं है, मतलब कौन सा वाला वैल्यू जीरो हुआ, a जीरो हो गया. राइट, देखो इस चीज को समझते जाओ कि हम कह रहे हैं कि हमने सेकेंड लॉ से हमको पता है F=ma है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है जो कि नॉन जीरो वैल्यू है, इस पे अगर आपने मान लो कि फोर्स नहीं लगाया, अगर फोर्स नहीं लगाया मतलब F की वैल्यू जीरो हो गई, और F की वैल्यू जीरो हो गई तो सिंस F=ma तो ma भी जीरो होगा, बिकॉज एंड एज m इज नॉट जीरो, m तो जीरो है ही नहीं, तो इसका मतलब a का वैल्यू जीरो हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. ओके, तो अब उसको हम कन्वर्ट करते हैं. दस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. चलो ठीक है, एक्सेल मतलब फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, यानी फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. ये तो हमने प्रूव कर लिया यूजिंग सेकेंड लॉ. अभी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो कैसे लिख सकते हैं, देखो दिस मीन्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर फोर्स नहीं लगा रहे तो अपने आप से मोशन में नहीं आएगा, क्योंकि मोशन में आ गया तो एक्सेलरेट हो गया. हमने अभी प्रूव करा कि फोर्स अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन में नहीं होगा. तो यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू करेगा उस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. यानी फोर्स नहीं है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. ओके, सो हमने यहाँ पर सेकेंड लॉ को यूज करके, सेकेंड लॉ के कंसेप्ट को यूज करके फर्स्ट लॉ हमने ये बता दिया कि फर्स्ट लॉ उसी के अंदर है, मतलब सेकेंड लॉ के अंदर ही फर्स्ट लॉ है. ठीक है, तो हमने वही चीज़ यहाँ बतानी थी. और सेकेंड, अब हमको जो अगला चीज़ बताना है वो ये है कि कैसे थर्ड लॉ भी इसके अंदर कंटेंट है, हाउ थर्ड लॉ इज कंटेंट इन सेकेंड लॉ. मतलब हम सेकेंड लॉ को शुरू करेंगे और हम ये भी देख लेंगे थर्ड लॉ भी उसमें ही आ रहा है. ओके, तो इसके लिए हमको कोलिजन का एक एग्जाम्पल लेना होगा. एक कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी. तो मान लो हमने दो बॉडीज का यहाँ पर सिस्टम लिया, और आइसोलेटेड मतलब बाहर का कोई भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई थर्ड बॉडी नहीं है. लेट देम कोलाइड. अब मान लो ये कोलाइड कर रहे हैं, और ए जो बी पे फोर्स लगा रहा है लेट दैट बी एफ वन, और बी जो बॉडी है वो ए पे जो फोर्स लगा रहा है लेट दैट बी एफ टू. और कितनी टाइम के लिए ये लोग कोलिजन में थे, लेट दैट टाइम बी डेल्टा टी. अब इसमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि लीनियर मोमेंटम अगर फाइनल है पी एफ और इनिशियल है पी आई, तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गया. और चेंज इन मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको सेकेंड लॉ से पता है चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वन होता है तो इट इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, तो यानी कि फोर्स इनटू टाइम करे तो वो चेंज इन मोमेंटम होता है. ठीक है, तो यहां पर
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, सॉरी बॉडी बी, तो बी वाली बॉडी पे, यहां पर बी वाली बॉडी पे चेंज इन मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है इसके लिए डिपेंड करेगा कि इस पे कितना फोर्स लगा है, बी पे कितना फोर्स लगा है, एफ वन, ध्यान देना एफ टू नहीं, एफ वन इज दैट फोर्स जो बी पे लगा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी विल बी जो उसके ऊपर फोर्स लगा है दैट इज एफ वन इंटू कितने टाइम के लिए वो फोर्स कॉन्टैक्ट में था दैट वॉज डेल्टा टी. ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो ए के ऊपर कितना फोर्स लगा है ये वाला दैट इज एफ टू और टाइम क्या है डेल्टा टी, यानी एफ टू इंटू डेल्टा टी. ठीक है, इसके बाद देयरफॉर टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी ए और बी का दोनों का चेंज इन मोमेंटम मिला दो तो यानी कि एफ वन डेल्टा टी प्लस एफ टू डेल्टा टी हो गया. ओके एंड तो ये हो गया हमारा टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम. अब क्या है कि एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, क्योंकि बाहर से और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा यहाँ पर, यही आपस में अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रहा तो हेंस बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के हिसाब से हमको पता है कि अगर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा. बिकॉज हमने क्या पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फोर्स या और इज इक्वल टू फोर्स. तो अगर मान लो कि फोर्स की वैल्यू ही जीरो है, यही जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम वही कह रहे हैं कि अगर यहां पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया गया, इफ नो एक्सटर्नल, बिकॉज सिस्टम कैसा आइसोलेटेड है तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो ऐसे में जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो कितना होगा, जीरो. जबकि हमने यहां पर निकाला है कि दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये चीज की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई. सो यानी एफ वन डेल्टा टी प्लस एफ टू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. अब इसको आप इस तरफ ले लो, प्लस का माइनस हो जाएगा और उसके बाद डेल्टा टी कैंसिल कर दो, तो यानी एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये प्रूव कर दिया हमने. ठीक है, तो सेकेंड लॉ का जो कंसेप्ट है हमने यहाँ पर यूज किया कि भाई फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम का चेंज भी यहाँ पर जीरो होगा, और उससे हमने थर्ड लॉ को निकाल लिया है. ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, और ये सब चीज़ों के लिए आपको जो बेसिक है वो ज़रूरी है. फर्स्ट पार्ट अगर देखा होगा तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, और थोड़ा सा आपको बुक को रीड करना ज़रूरी है कंसेप्ट की और क्लियरेंस के लिए. ओके, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए. यहाँ पर हम लॉज ऑफ मोशन का कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसके अलावा सेकेंड लॉ को भी हम यहाँ पर एफ इज इक्वल टू एम ए लाएंगे, बट थोड़ा सा कैलकुलस वे से होगा, और इम्पल्स क्या होता है वो भी चीज़ हम देखेंगे. स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सबसे पहली बात कि ये चीज़ हमने नाइन्थ में भी पढ़ी है, पर थोड़ा सा सिंपल तरीके से था. जैसे कि वहाँ पर स्टेटमेंट क्या था, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, जब भी दो बॉडीज कोलाइड कर रही है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जरूरी नहीं कि दो ही बॉडी हो. ठीक है, वैसे यहाँ पर हमको थोड़ा सा एडवांस तरीके से करेंगे, देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि जब बॉडीज कोलाइड कर रही है तो उसके अलावा दूसरा कोई बाहर का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए. सो द सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड, बाहर का कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है. सो इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड. तो यहाँ पर ऑलवेज कंजर्व का मतलब यह है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर दैट इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंटरेक्शन. ठीक है, हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, बिकॉज इसके अलावा रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम भी हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल यहाँ पर हमको लीनियर मोमेंटम जो हमने नाइन्थ में पढ़ा है वही चीज़ है. ओके, तो अब सपोज हम अज्यूम करते हैं इसके प्रूफ के लिए कि हम यहाँ पर दो बॉडीज हैं ए और बी, और दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है, इसका इनिशियल मोमेंटम है पी ए और इसका है पी बी. आपको पता है लीनियर मोमेंटम वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और ये लोग कोलाइड किए और टी जितने टाइम के लिए ये लोग स्टिक थे, और उतने टाइम पे ए ने जिस बी पे जो फोर्स लगाया है लेट दैट बी एफ वन, और बी ने जो ए पे फोर्स लगाया है लेट दैट बी एफ टू,
और कोलिजन के बाद जो इनका मोमेंटम्स है पी ए डैश और पी बी डैश हो गया, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है वो देखो, ध्यान रखो, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वी नीड टू प्रूव टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, पी ए प्लस पी बी, राइट, क्योंकि बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम है पी ए और इसका है पी बी, सो दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ही पी ए डैश प्लस पी बी डैश, हमको ये प्रूव करना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी पी, सपोज मैं बात करता हूं फॉर बॉडी ए, ए वाली बॉडी के लिए, ए का कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है पी ए डैश माइनस पी ए, सो दिस इज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, कितने टाइम में चेंज हुआ, तो डेल्टा टी, सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ए वाली बॉडी पे एफ टू, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू। और हमको पता है इस वाले में हमने ऑब्टेन किया है कि भाई ऑलरेडी ये जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के होता है उसकी वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको एफ टू लिख देते हैं। ऐसे ही सेम चीज फॉर बॉडी बी, उसके लिए क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन, इसका भी टाइम ऑफ कोलिजन तो वही रहा है, इज इक्वल टू एफ वन, राइट। एंड अब क्या करो ना, टी को, डेल्टा टी को यहां सेंड कर दो, तो अगर डेल्टा टी यहां चला गया तो ये हो जाएगा एफ वन डेल्टा टी, सॉरी एफ टू डेल्टा टी, और यहां पर भी इस वाले में क्या हो जाएगा, एफ वन डेल्टा टी, ठीक है, मेक इट इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ऑल्सो बाय थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा लॉ, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ओह यहाँ पर तो हमको ये पुट करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे, अपॉन डेल्टा टी वैसे ही रहने दो यार, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी ऐसे ही रहने दो, सो एफ वन की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, दैट इज पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू की वैल्यू क्या है वो डाल दो, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, तो ये माइनस पी ए डैश और ये हो जाएगा प्लस पी ए, ठीक है, सो दैट इज क्या हो गया, देखो पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू माइनस पी ए डैश प्लस पी ए। तो अब क्या करो, इसको जहां भी माइनस साइन है उसको उल्टे साइड में सेंड कर दो, तो ये माइनस पी ए डैश इधर आके जो हो जाएगा प्लस पी ए डैश, ठीक है, तो ये हो गया प्लस पी ए डैश, वो लिख देता हूँ, सो दैट इज पी बी प्लस पी ए, दिस इज पी बी डैश, राइट, पी बी डैश प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पी ए है और ये माइनस पी बी जो है इधर आएगा तो प्लस पी बी हो जाएगा, देखो आ गया, दिस इज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। और अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, सो दिस वॉज सिंपल, सिर्फ क्या करना था हमको, सेकेंड लॉ लगाना था ए और बी वाले में, थर्ड लॉ लगाया और उसके बाद ये जो लाया इसकी वैल्यूज वहाँ पुट कर दी, रीअरेंज कर दिया, हमको चीज़ें मिल गई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अज्यूम करते हैं एक बॉडी है जो मूव, जिसका मोमेंटम है पी, समझो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है पी, और इस पे फोर्स लगाया एफ, ठीक है, फोर्स एफ लगाया, अब ये उसका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है, और ऐसे में जो हमारा स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हम जाएंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डी पी अपॉन डी टी,
Okay, so dp upon dt is directly proportional to force, directly proportional to the force applied. ठीक है. So यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और else force is directly proportional to rate of change of momentum. ठीक है, ये है momentum. अब जब भी आप d upon dt लिख दोगे तो ये हो जाएगा rate of change of momentum. ठीक है, and this is hence f is equal to constant लगा दो, और ये d by dt, और momentum को हम क्या लिख सकते हैं, momentum को हम लिख सकते हैं mass into velocity. तो मान लो instantaneous velocity v है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m into v. Let m be the mass of body. Mass आ गया बाहर, m is a constant. So this will become f is equal to km, और ये हो जाएगा dv upon dt. What is rate of change of velocity? Rate of change of velocity होता है acceleration. So therefore f is equal to k into m into a. अब k की वैल्यू, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू, यूनिट्स कौन सा यूनिट सिस्टम लिया है उस पर डिपेंड करता है. जो हमने SI और CGS सिस्टम की अगर हम बात करें तो k की वैल्यू होती है 1. Therefore f is equal to ma. ठीक है, k की वैल्यू 1 मतलब कि इस तरह से SI और CGS यूनिट में फोर्स को सेट किया गया है कि उसमें k की वैल्यू 1 होती है, और इसलिए हमको डायरेक्टली f is equal to ma आ जाता है. ओके, तो यहां पर ये चीज हमने कर ली. एंड फाइनली इंपल्स क्या होता है वो देख लेते हैं. इंपल्स यानी इंपल्स, बहुत ही क्विक एक्शन को इंपल्स कहते हैं. तो अगर मान लो कि फोर्स लगाया किसी पार्टिकल या बॉडी पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं. जैसे एक हैमर है, उसको नेल पे मारा, ठीक है, तो दैट इज इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, या फिर क्रिकेट का बैट जो है बॉल से जो हिट होता है, ठीक है, वो वाला जो कॉन्टैक्ट है दैट इज इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, या एक जो किक बॉक्सिंग में किक लग रही है दैट इज इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगाया था उसको इंपल्सिव फोर्स कहते हैं. और उसके लिए उसमें फोर्स का जो मेजर है वो कैसे लिया जाता है, टाइम के हिसाब से लिया जाता है. तो व्हाट इज इंपल्स, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है, भले वो कम टाइम के लिए, लेकिन फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है वहां पर. सो उस केस के लिए इंपल्स को, इंपल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, कि वो एवरेज फोर्स कितना था, कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपल्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड, फोर्स इनटू टाइम, न्यूटन सेकंड. ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम. कैसे हुआ देखो, अभी हमने यहाँ पर देखा कि एफ इज, अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के की वैल्यू तो वन है, तो आई कैन डायरेक्टली से दैट एफ इज इक्वल टू एम इंटू v माइनस यू अपॉन टी, राइट, यानी कि m को अंदर भेज दो तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. f इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. अब इसी में टाइम को मान लो इधर भेज दिया, तो f इंटू टी क्या हो गया, दिस इज पी टू माइनस पी वन. हैंस अब ये f इंटू टी मतलब क्या हो गया, दिस इज इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं. तो यानी इम्पल्स का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, चेंज ऑफ मोमेंटम भी. ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर हमने ये बेसिक जो लॉज हैं इसके अंदर वो सब चीजें कर ली. स्टार्ट करते हैं विद द लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा चल रहा था उसका फ्रिक्शन वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर एक अच्छा वाला डेरिवेशन भी आएगा. ओके, कंसेप्ट बहुत जरूरी है इसका, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं. ओके, तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और डिटेल इंट्रोडक्शन, बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी ऐसे हम करने. तो स्टार्ट करते हैं विद फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, पहले तो ये समझो कि जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं, ठीक है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, बहुत जरूरी है, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. ये मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है, यहां पर बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है. ठीक है, एंड और सिर्फ कॉन्टैक्ट में होने से नहीं होगा, जब वो बॉडी या तो मूव करने की कोशिश कर रहा है या तो एग्जैक्टली मूव कर रहा है, ऐसी दो कंडीशन में ये फ्रिक्शन अराइज होता है. ठीक है, तो मान लो कि ये सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ वन बॉडी, दिस इज अनदर बॉडी जो इस पे है, सिर्फ रखा रहेगा, ऐसे रखा हुआ है तो नो फ्रिक्शन. मान लो कि अब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ आने की, तो अब जो है फ्रिक्शन अराइज होने लगा. ठीक है, सो व्हेन द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव और इट इज एक्चुअली मूविंग, ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन अराइज होता है. फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, तो जो डायरेक्शन रिलेटिव मोशन का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में. मान लो ये मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा, अगर ये मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ होगा. सो इट इज ऑलवेज अपोजिंग इन नेचर, याद रखो क्या बोला मैंने, दो बॉडीज
या एक बॉडी दूसरी सरफेस पे कैसा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी जरूरी बात क्या है कि सिर्फ कॉन्टैक्ट में होने से नहीं होगा, द बॉडी शुड आइदर ट्राई टू मूव ऑन दैट सरफेस और इट इज एक्चुअली मूविंग, ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शन अराइज होता है और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एग्जर्ट होगा। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, डेफिनेशन देख लो, एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स। अब मूवमेंट में क्या हो सकता है, रोलिंग भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है, रोल भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है। सो व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव, टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है, ऐसे वाले में हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली ऑलवेज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है, इसकी मैं टाइप्स बताऊंगा, उससे पहले ये अराइज क्यों होता है। सो देयर, मतलब जो इसका ओरिजिन, जो एग्जैक्ट रीजन जो है वो बाद में पता चला, पहले जो पुरानी थॉट है फ्रिक्शन को लेके, जो पुरानी थियोरीज है वो हम देख लेते हैं। सो एज पर द ओल्ड व्यू, जो कि गलत है वैसे, हमको मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखना है, उसमें कुछ गलतियां हैं। सो एज पर द ओल्ड व्यू, फ्रिक्शन इज ऑल ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस। मतलब ऐसा माना जाता था कि जो ऊपर वाला बॉडी है जो सरफेस पे मूव कर रहा है, वो एक्चुअली उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसमें बहुत सारा है ना, काफी रफ है वो, और नीचे वाला सरफेस भी रफ है। तो ये दोनों की रफनेस एक दूसरे को क्या करती है, इंटरलॉक करती है ना, इसका कंप्रेशन एलिवेशन इस तरह से इंटरलॉक कर लेगा एक दूसरे को, और उस इंटरलॉकिंग से यहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन अराइज होता है। ये माना जाना था पुराना थियरी, सो दिस वॉज अ ओल्ड थियरी कि रफनेस ऑफ द सरफेस इज द रूट कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसी इंटरलॉकिंग बन जाती है। लेकिन ये ओल्ड थियरी है, ओल्ड कंसेप्ट है, फ्रिक्शन जो है एग्जैक्ट रीजन कुछ और। सो एज पर दैट, अगर रफनेस ऑफ सरफेस को ही हम बेस माने, इसी को अगर हम सच माने, तो उस हिसाब से क्या होता है कि ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा फ्रिक्शन, जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा लॉकिंग होगी, ठीक है। अगर मान लो हमने एक ईटा लिया, उसको हमने ऐसे रखा है, एक ब्रिक लिया हमने इस तरह से रखा है, ज्यादा इंटरलॉकिंग हो गई, ऐसे खड़ा ऐसे करके रखा उसको तो इंटरलॉकिंग तो कम होगी, ज्यादा कम एरिया है तो ऐसे में तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। मतलब एज पर द ओल्ड लॉजिक, लार्जर एरिया लार्जर फ्रिक्शन, ठीक है, जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा रहेगा फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, और स्मूदर सरफेस, जितना आप स्मूद कर दोगे, बिकॉज इंटरलॉकिंग स्मूद, मतलब देखो अब यहां पर जितना रफ रहेगा उतना इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, स्मूद रहेगा तो इंटरलॉकिंग के लिए वो पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन कम होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें जो यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है, ये कैसी लिखी गई है, एज पर द रफनेस वाला लॉजिक, पर ये दोनों ही चीजें प्रैक्टिकली गलत देखी गई, ठीक है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और जो जितना आप सरफेस को स्मूथ करोगे उतना फ्रिक्शन बढ़ता है, बल्कि ये क्या लॉजिक है यार, ये तो सर हम तो समझ नहीं पा रहे इसको, ये तो एकदम उल्टा है। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, सरफेस जितना स्मूथ करोगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, क्या मतलब। अब मॉडर्न व्यू क्या है देख लो जल्दी से, एज पर द मॉडर्न व्यू स्ट्रॉन्ग, देखो ये रफनेस नहीं, फ्रिक्शन के लिए रफनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखो यहां पर एग्जैक्टली ये नहीं, यहां का एटम और यहां का एटम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी क्या, जहां जहां पे पॉइंट्स कॉन्टैक्ट वाला या टच जहां भी है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट है, उधर पे इस वाले बॉडी का, ऊपर वाली बॉडी का एटम और नीचे वाले बॉडी का एटम या मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उस अट्रैक्शन की वजह से एग्जैक्टली फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दैट रफनेस, इट इज ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, ऊपर का एटम या मॉलिक्यूल, नीचे का एटम या मॉलिक्यूल, जहां भी कॉन्टैक्ट में है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ फ्रिक्शन एज पर द मॉडर्न व्यू। और अगर इस लॉजिक से देखोगे तो बात सही है, जितना आप सरफेस को स्मूद करोगे उतना ज्यादा एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, उतना ज्यादा बॉडीज, ऊपर का जो बॉडी है नीचे के सरफेस से उतना ज्यादा क्लोज आ जाएगा,
स्मूथ करने से उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा. सो स्मूदर द सरफेस ग्रेटर इज द फ्रिक्शन एज पर द मॉडर्न व्यू एंड दिस इज करेक्ट. ये बात ध्यान रखना ठीक है. तो ये जो है पुराना व्यू गलत हो जा रही है, इसमें लिमिटेशन आ जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या देखा गया कि फ्रिक्शन जो है इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता. और दूसरी बात ये कि जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है. ओके एक तो हमने आप समझ लिया जो रूट ओरिजिन है फ्रिक्शन का, लॉजिक है वो देख लिया हमने. इसमें थोड़ा डेप्थ में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एडेसिव प्रेशर ये ऐसी चीजें आती है, कोल्ड वेल्डिंग ठीक है. तो उसको रीड करोगे तो वो चीज आप समझ जाओगे. ओके ज्यादा डेप्थ अब यहां पर हम करने वाले हैं. सो फ्रिक्शन के टाइप्स में आते हैं. फ्रिक्शन का दो मेन टाइप्स, इंटरनल फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्रिक्शन. इंटरनल फ्रिक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक बॉडी के अंदर भी फ्रिक्शन होता है. जैसे अगर हमने कोई लिक्विड ले लिया तो लिक्विड के अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं. जैसे मान लो कि एक सरफेस पे हमने हनी या कोई भी लिक्विड को हम फ्लो करा रहे हैं तो ऐसे फ्लो करता हुआ आ रहा है पर उसमें भी अलग अलग लेयर्स है ठीक है. तो वो डिफरेंट लेयर्स के बीच में भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा. मतलब ऊपर वाला लेयर की अपनी स्पीड, नीचे वाले लेयर की अपनी स्पीड. तो उसकी वजह से वहां पर भी नीचे वाला लेयर, हर नीचे वाला लेयर अपने ऊपर वाले लेयर को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा एंड वहां भी एक फ्रिक्शन होगा. पर वो एक ही बॉडी के विद इन के अलग अलग लेयर्स है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल फ्रिक्शन. तब उसको इंटरनल फ्रिक्शन हम कहते हैं ठीक है. सो फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू लेयर्स ऑफ अ लिक्विड और यू कैन से फ्लूइड इक्वली अप्लाई होगा व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. ओके और इसी को विस्कोसिटी भी कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अब ये फ्रिक्शन इनसाइड द लिक्विड इसको विस्कोसिटी कहते हैं. लाइक वाटर, कोकोनट ऑयल एंड हनी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी है हनी की. एक स्लोप से तीनों को फ्लो करो पता चल जाएगा ठीक है. इसके बारे में डिटेल में हम हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे जो हमारा फ्लूइड वाले सेक्शन में आएगा जो सेकंड पार्ट में है आपके एनसीईआरटी में. ओके अब यहां पर हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन की. इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फ्रिक्शन यानी क्या, अब ये एक बॉडी और दो दूसरा बॉडी अलग अलग बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज द एक्सटर्नल फ्रिक्शन. जैसे कि मान लो एक हमने बुक को या कोई एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को हम एक सरफेस से स्लाइड करा रहे हैं तो जो ऊपर वाला बॉडी अगर इस तरफ मोशन कर रहा है तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा जो नीचे वाला सरफेस उस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है दैट इज ऑब्वियसली एक्सटर्नल फ्रिक्शन जिसके बारे में हमको पढ़ना है एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर ठीक है. तो ये दो अलग अलग बॉडीज के बीच में एग्जर्ट होता है. इफ इट अराइजेस व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज एन एक्चुअल मोशन ठीक है, कोशिश भी कर रहा है या तो ट्रू मोशन भी है तब ये जो फ्रिक्शन है वो अराइज हो जाता है. ऐसे सिर्फ रेस्ट में रुका हुआ रहेगा और वो कोई कोशिश नहीं है तो ऐसे में नहीं होगा ठीक है. अब जैसे यहां पर एक स्लाइड बताया मैंने, एक स्लोप है, ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी खींच रही है उसको तो वहां पर अराइज हो जाएगा अपने आप से ये चीज. ओके कंपोनेंट्स जब आप इसको डिटेल में थोड़ा जाओगे तो यहां पर जो वेट के कंपोनेंट्स है वो चीजें भी आ जाएंगी, वो हम करेंगे. ओके फिलहाल जो हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन है इसके भी फर्दर तीन टाइप्स हैं. ओके कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है रेस्ट, स्टेशनरी ठीक है. काइनेटिक ये वर्ड में अपने आप में मोशन है, काइनेटिक एनर्जी यू नो, तो यहां पर इसका मतलब है मोशन. तो ये बीच में क्या है सर, लिमिटिंग क्या है, ये रेस्ट का ही एकदम लिमिट पार्ट है. अब देखो कैसा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक मान लो एक गाड़ी है ठीक है और छोटी सी गाड़ी है, छोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं है और रोड पे पड़ी है और मैं चाहता हूं कि उसको मैं मूव कर दूं और मैं धक्का लगा रहा हूं ठीक है, धक्का लगा रहा हूं. तो यहां पर जब मैं उसको पुश कर रहा हूं, जब मैं उसको पुश कर रहा हूं स्टार्टिंग में, मैंने ऐसा सोचा कि यार थोड़े से फोर्स में काम हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा ताकत लगा के ऐसे ताकत लगा कोशिश कर रहा था पर नहीं हुआ, कमाल है ठीक है. तो उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन अराइज हो रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट में है ठीक है. एक उंगली से नहीं हो रहा है, दो उंगली लगाए, चार उंगली, ऐसे किया
पूरी ताकत लगा रहा हूं, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो मतलब वो कौन सा फ्रिक्शन है? फिलहाल वो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 100 न्यूटन की ताकत लगा रहा हूं तो वहां से स्टैटिक फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन का हो जा रहा है। अगर मैं 150 न्यूटन की ताकत लगा रहा हूं, 150 न्यूटन का हो जा रहा है। 500 न्यूटन, ठीक है। 2000 न्यूटन, मैंने चार दोस्तों को बुला लिए, ठीक है, 2000 न्यूटन, और फिर वहां से भी उतना ही, ठीक है। तब जाके एक ऐसा पॉइंट आया जब वो मूव करने जस्ट, अब वो उसके बाद जस्ट मूव करने वाला है, तो वो वैल्यू थी मान लो 2700 न्यूटन। कि 2700 न्यूटन एक मतलब हाइपोथेटिकल टर्म बता रहा हूं, इतना भी ज्यादा सोचो मत। तो 2700 न्यूटन का जो फोर्स लगाया उसके बाद जस्ट वो मूव करने वाला है। सो वो 2700 न्यूटन क्या हुआ? वो स्टैटिक फ्रिक्शन का हाईएस्ट लिमिट हुआ। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखना दोनों को। अ बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द अदर सरफेस या ओवर द सरफेस ऑफ अदर, बट एक्चुअल मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, बॉडी कोशिश कर रहा है, जैसे हम यहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल मोशन शुरू नहीं हुआ, मतलब बॉडी रेस्ट में है, सो वो स्टैटिक हुआ। ठीक है, लिमिटिंग में क्या होता है? वन बॉडी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ऑन द अदर, मतलब अभी जस्ट मूव, मैंने बताया 2700 पे जस्ट वो मूव करने ही वाला है अब इसके बाद। ठीक है, सो दैट 2700 न्यूटन इज दैट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू वहां पे। ओके, मतलब जस्ट स्टैटिक का हाईएस्ट लिमिट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी मतलब दोनों में रेस्ट में ही होता है बॉडी। ओके, और इसके इमीडिएटली बाद जो है बॉडी मोशन में आ जाता है, इसके इमीडिएटली बाद। ठीक है, जब बॉडी मोशन में आ जाएगा, यानी वो गाड़ी जब मूव करने लगेगी, तब भी हम जो ताकत लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक और फ्रिक्शन है जो मूविंग बॉडी में एग्जर्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन ये कब होता है? व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स ओवर द अदर, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। ओके, और एक मजे की बात ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो काइनेटिक से हाई होती है। मतलब लाइक मैं अगर सपोज वो एग्जाम्पल ले रहा था जहां पर 2700 न्यूटन लगा मेरे को उसको शुरू करने में, ढकेलना या मूव करना स्टार्ट करने में, बट जब मैं उसको कंटिन्यू मोशन देना चाहता हूं तो अब उतना फोर्स नहीं लगेगा। अब हो सकता है कि 2600 या 2500 में भी वो लगातार मूव करता रहे। मतलब सिर्फ उसको हिलाना, मूव करना, है ना, स्टार्ट करना उसका मोशन, दैट वॉज डिफिकल्ट। बिकॉज देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू लिमिटिंग की होती है, तीनों में सबसे महान लिमिटिंग है ना। ये तो सेल्फ एडजस्टिंग है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग। मैं इसका ग्राफ दिखाऊंगा, देखो आप यहां पर समझ सकते हो। सो दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, जब हम फोर्स लगा रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, सो दैट वॉज इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर एक लाइन बनती जा रही है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, वो अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। आप जितना फोर्स लगा रहे हो उस हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज हो रहा है। मैंने जब 1 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन का आ गया, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन 10, सो दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ओके, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट आई, देखो यहां पर, जब जिसके जस्ट बाद बॉडी मूव करने वाला, सो दैट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। सो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पूरा स्टैटिक हो गया, और उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू लगती है आपको जब बॉडी मूव करने लगता है। तो एग्जैक्ट मोशन जब आ जाता है उस टाइम पे, यू कैन सी द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो ये ग्राफ यहां पे ना क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे हो जाता है, ये लिमिटिंग है, काइनेटिक की वैल्यू उससे कम रहती है। मतलब बॉडी को मूव स्टार्ट करना उसका मोशन डिफिकल्ट है, पर एक बार जब वो मूव करने लगा तो आपको उतना फोर्स नहीं लगेगा, तब थोड़ा कम फोर्स में भी काम चल जाएगा। ओके, तो यहां पर तो इसलिए हम इसको हम अपनी रियल जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी चीज शुरू करना बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता, पर आपको लग सकता है कि यार ये पढ़ाई, इतना सारा चीज, या ये कोर्स कैसे करूंगा मैं, यार ये IIT का कैसे तैयारी होगा। ठीक है, वो थॉट को इंप्लीमेंट करना एक बार स्टार्ट कर दो और एक बार शुरू कर दो, ठीक है, वो उतना मुश्किल अब थोड़ा कम मुश्किल लगने लगेगा। ठीक है, अब जो है वो चीज आसान हो जाएगी। तो यहां पर याद रखना, बॉडी मूव नहीं कर रहा और आप जो फोर्स लगाते जा रहे हो और वहां से जो फ्रिक्शन आता जा रहा है वो कौन सा है? स्टैटिक है। ठीक है,
जब उसकी हाईएस्ट लिमिट आ जाएगी, मतलब बॉडी जस्ट मूव होने ही वाला है, ऐसे वाले जब आप फ्रिक्शन की बात करो, सो दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक इज द सेल्फ एडजस्टिंग, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये फिक्स वैल्यू है. इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मूव मोशन करने लगा उस टाइम पे आप जब उसको मतलब फ्रिक्शन जो उसका चेक करोगे, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो टाइप्स आ जाते हैं कि बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है. अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है तो कौन सा हो गया, वो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और दूसरी तरफ अगर बॉडी रोल कर रहा है तो वो कौन सा फ्रिक्शन वहां पे आएगा, रोलिंग फ्रिक्शन. इसमें भी आप समझ सकते हो कि कौन सा वाला फ्रिक्शन कम होता है. ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में से कौन सा फ्रिक्शन कम होता है और क्यों व्हील्स का इन्वेंशन हुआ है. ये भी कुछ कुछ आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ओके. और अगर टायर में हवा कम हो तो गाड़ी के एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर अच्छी खासी हवा भरी है तो क्या होता है, ये सब चीजें सोचो. पूरे कंसेप्ट पे बेस्ड है और इसके बाद हम देखेंगे एग्जैक्टली जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है वो हम देखेंगे, उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है रियल कंसेप्ट वो भी इसके ऊपर बेस्ड आ जाएगा. यहां पर हम आगे बढ़ने वाले हैं विथ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. कुछ चार लॉज हैं, पहला वाला ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो अपने आप मतलब हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करा हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम. अब होता यह है कि मान लो यहां पर ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको इस सरफेस पे रखा है, तो लाइक टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, नीचे वाला एक सरफेस और ऊपर वाला एक बॉडी, ओके. तो यहां पर जो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. वो सीधे सीधे किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे, ओके. नाउ नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा सा और याद दिला दूं वंस अगेन कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमने किसी सरफेस पे रखा है तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि भाई बहुत सारे फोर्सेस वहां पर इसे एक्ट कर रहे होते हैं. तो ऑब्जेक्ट अपना एक डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट करता है जिसको हम वेट कहते हैं, विच इज गिवन बाय मास इनटू ग्रेविटी mg, राइट. और इसी को बैलेंस करने के लिए सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फिलहाल मैं यहां पर अपोजिट यूज कर रहा हूं बट समझ में आएगा थोड़ी देर में क्या होता है वो चीज, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. वेट mg कहाँ है, दैट इज एग्जर्टेड बाय द बॉडी ऑन द ग्राउंड. और ये जो r है ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड एग्जर्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है. अच्छा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहा जाता है वो समझो. अब ये जो वेट है ना, दिस इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन जो रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस से. नॉर्मल रिएक्शन क्यों नाम दिया, क्योंकि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है. अब इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं एक और केस में, जैसे यहां पर एक इंक्लाइंड सरफेस है और इस इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो ऐसे में सपोज ये सरफेस को मैं और ज्यादा डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है, कि ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है जो mg, इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये ऐसे रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, ओके. लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज नीड नॉट कि इसी को बैलेंस ऐसे करेगा, वो हमेशा सरफेस से, जिस सरफेस पे रखा है उससे परपेंडिकुलर होता है, लाइक इससे परपेंडिकुलर है वो, ठीक है, यहां पर. सो यू कैन सी दैट यहां पर एग्जैक्टली mg से अपोजिट r हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. अगर मैं चाहूं तो इसके कंपोनेंट्स लिख सकता हूं mg के, अगर ये इधर हो गया और यहां पर, तो आई कैन राइट इट एज ये mg है. यहां पर अगर मान लो मैंने ये वाले एंगल को थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, जिस साइड में थीटा होता है वो cos बन जाता है और दूसरा वाला पार्ट बन जाता है mg साइन थीटा. तो यानी कि r जो है इट इज बैलेंस बाय mg साइन थीटा. बहुत दूर की बात कर रहा हूं, फिलहाल इतना ज्यादा नहीं जाते हम, जो है हमारे फ्रिक्शन वाले पार्ट पे फिर से रिटर्न करते हैं. यहां पर क्या कहा गया है कि जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होते हैं तो वहां पर जो फ्रिक्शन अगर एक्ट हो रहा है वो कब एक्ट होता है, वो हमने ऑलरेडी देखा कि व्हेन द फर्स्ट बॉडी इज ट्राइंग टू मूव ओवर द सेकेंड, और इट इज एक्चुअली मूविंग, ऐसा रुका हुआ है तो नहीं.
या फिर कोशिश नहीं कर रहा तो नहीं. ओके, व्हेन द फर्स्ट बॉडी इज ट्राइंग टू मूव, एटलीस्ट ट्राइंग टू मूव, तब ये जो फ्रिक्शन है ये एक्ट करता है ऑब्वियसली, एंड दैट फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. हम यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम मूवमेंट की बात नहीं करेंगे, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है ऑब्वियसली, द बॉडी इज नॉट इन मोशन, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, मूव करने ही वाला है, वैसा वाला सिचुएशन में हम उसके हिसाब से ये डिफाइन कर रहे हैं. ओके, तो इससे जो जो फॉर्मूला मिल रहा है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, इसी चीज को एकदम हर जगह पे हम यूज करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है कि दैट नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉट नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू आर, ऑलवेज प्रपोर्शनल टू आर. और वैसे इस केस में तो मैं कह सकता हूं कि आर इज इक्वल टू एम जी, तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, इतना समझ लो. फिलहाल लॉ क्या बता रहा है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू डालेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट हियर इज टेकन एज म्यू, एफ इज इक्वल टू म्यू आर. इसको दिमाग में बिठा लो, एफ इज इक्वल टू म्यू आर. व्हाट इज दैट म्यू, ऑब्वियसली इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन वो यहां पर क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या कहते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, अगर बॉडी मूव कर रहा, एक्चुअली मूव कर रहा, तो वहां पर क्या होगा, इन दैट केस एफ के विल बी गिवन बाय म्यू के इनटू आर. अगर बॉडी मूव कर रहा है, यहां पर बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, जस्ट मूव करने वाला है, पर अगर मूव कर रहा है तो वो म्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसे ये कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो ये हो जाएगा. ठीक है, दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इस तरह से ये चीज ध्यान रखो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लिमिटिंग के लिए, काइनेटिक के लिए भी वैसे ही इक्वली हम अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट वॉज वेरी सिंपल. वंस अगेन कमिंग बैक, इतना स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, बस सिंपल सी बात याद रखो, अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रखा हुआ है, तो अगर इट इज, इफ इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, जैसे मूव करने वाला उसके उस मोमेंट की अगर हम बात करें, तो एट दैट पॉइंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, सीधे उस पर डिपेंड करता है. प्रपोर्शनलिटी की साइन हटाई, इक्वल टू लगाया, वहां पर कॉन्स्टेंट आ गया, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज द, इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. और मैंने अभी यहां पर कहा कि भाई रिएक्शन यहां पर अगर आप देखो तो इट इज इक्वल टू एम जी फॉर दिस केस एटलीस्ट, तो जितना वेट होगा उस हिसाब से यहां पर रिएक्शन भी उसी हिसाब से होगा. ओके, तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि भाई रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द बॉडी. तो यानी जितना हैवी बॉडी होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन, वही चीज लिखा है मैंने, मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ हैवियर बॉडी. ठीक है, जितना हैवी बॉडी होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उसको मूव करने में. फाइन, ओके, उसके बाद वाली चीज फटाफट में देख लें. दूसरा क्या दिया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग. तो यानी कि अगर बॉडी जो है वो इस तरफ मूव करने की फिराक में है, तो ऑब्वियसली अगर इस तरफ मोशन होने वाला है तो फ्रिक्शन हमेशा क्या रहता है, वो जो रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. ये तो हमको पता ही है, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है. ठीक है, क्लियर है. इसके बाद द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इंट्रोडक्शन में ही हमने कर लिया था कि भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, ओल्ड व्यू के हिसाब से कर रहा होता था, पर ओल्ड व्यू नहीं, हमको मॉडर्न व्यू जो पता है उसमें हमको, हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि ये जो फोर्स है फ्रिक्शन वाला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तीसरी बात हो गई. चौथी बात देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, मटेरियल्स ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश. तो यानी कि जैसे एक लकड़ी है, एक वुड है, और उसको हमने फ्लोर पे रखा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो एक सिनारियो ले लो. दूसरा, उसी लकड़ी को भिगा के, मतलब वेट करके अगर हमने फ्लोर पे रखा, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा. तीसरे केस में उसको हमने पॉलिश कर दिया, उसके बाद उसको हमने फ्लोर पे रखा, उसमें जो फ्रिक्शन होगा, इन सभी में डिफरेंसेस होंगे. तो यानी वही बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन कितना होगा और किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश. ठीक है, वो जो पॉलिश करना या स्मूदनेस से ना, थोड़ा दो लॉजिक्स है वहां पर,
तो थोड़ा उसके बारे में आप डिटेल्स में आप थोड़ा देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जितना स्मूद करें तो एक जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उससे कम होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू कम होगी, बट दूसरा तरफ ये होता है कि एक्स्ट्रा स्मूद करने से फ्रिक्शन बढ़ता भी है। ठीक है, तो थोड़ा इसके उसमें डेप्थ है, उतना ज्यादा जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में देखी, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टू द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन पे सीधे सीधे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमने यहाँ बेसिकली फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया कि इसी में देखो आप म्यू क्या हो जाएगा, म्यू विल बी इक्वल टू एफ अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा है मैंने, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, मतलब बेसिकली हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमको यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया। और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वैसे ही, अगर एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर है तो म्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, एफ के अपॉन आर, वही चीज है। इसके बाद है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो देख लें। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, पर होता क्या है वो देखो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या वो देखते हैं। तो आपको पता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं P एंड Q, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके बीच में से निकलता है ऐसे R, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो बस वही समझो कि यहां पर बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो ये डायरेक्शन में अप्लाई किया, ओके, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये है नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अ वेट mg। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर क्या बोला है, कौन सा एंगल है, पहले तो आप F और R का रिजल्टेंट निकाल लो। तो F और R का, जैसे मैंने यहां बताया दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट यहां से निकलेगा, तो इसका भी रिजल्टेंट ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ F एंड R। ठीक है, F और R के बीच का रिजल्टेंट ये हो गया। सो ये रिजल्टेंट, ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विथ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यानी ये जो रिजल्टेंट है ये इस आर के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसी को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसका हम एक छोटा सा डेरिवेशन है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली एक रिलेशन है जो यहां पर हमको मिलने वाला है। ओके, सो लेट दिस बी ओ है, ये वाले को हम ए कह देते हैं, लेट दिस बी बी और ये वाला हो गया सी, इसको जोड़ देते हैं यहां पर। ओके, ठीक है, तो इसमें सॉरी तो यहां पर हमको थीटा का फॉर्मूला चाहिए, एंड आई नो कि दिस लेंथ इज आर, ये लेंथ आर है, ये वाला लेंथ एफ है। ठीक है, अगर ये एफ है तो यहां पर मैं इस वाले को भी, बिकॉज अब ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ये एफ है तो इस लेंथ को भी मैं एफ लिख सकता हूं, राइट, बीसी वाला लेंथ भी एफ हो जाएगा। अब देखो थीटा से ये अपोजिट पड़ रहा है और ये एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, टैन वाले में। तो सिम डायरेक्टली मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल ओसीबी या ओबीसी, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, टैन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट यानी कि एफ अपॉन एडजेसेंट यानी कि आर। ओके, एंड एफ अपॉन आर अभी हमने देखा था कि वो क्या होता है, इट इज म्यू। तो हमको यहां पर बहुत अच्छी बात है भाई, एक रिलेशन मिल गया किसके बीच में, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो थीटा है यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसके बीच में, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द टैंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ it is nothing but it is equal to the tangent of the angle of friction। ठीक है, तो ये चीज हमने obtain कर ली। इसके बाद angle of repose क्या होता है, angle of sliding क्या होता है, वो भी हमको देखना है। वैसे angle of sliding के बारे में एक छोटा सा चीज बता दूं कि जैसे मान लो कि एक surface है यहां पर, इसके ऊपर object रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको incline करता जाऊं, यहां पर ये angle बढ़ाते जाऊं, ठीक है, तो एक ऐसा point आएगा जब ये स्लाइड करने लगेगा,
ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये स्लाइड करने लगेगा, देखो कर रहा था, सो दैट एंगल जो यहां पर ये फॉर्म कर रहा है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, जब ये स्लाइड करने लगा, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट हुआ, उसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहां पर एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि इट इज द एंगल एट विच अ बॉडी केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन इट स्टार्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। मतलब कि अगर हम यहां पर एक सरफेस लेते हैं, उस पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिलहाल तो अभी कोई स्लाइड करने का सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इस सरफेस को ऊपर करता जाऊं, ठीक है, इसको मैं रेज करता जाऊं, तो एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब वो एग्जैक्टली स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसी एंगल को, ये जो हमने एंगल बोला है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज। ओके फाइन, तो अब इसमें हमको अल्फा को रिलेट करना है या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, तो लेट्स सी। तो यानी कि अब इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड्स जो एक वेट नाम की चीज है वो तो होगी ही, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक अगर इफ दिस इज अल्फा तो यहां पर आप ये वाले एंगल को अल्फा बना सकते हो। कैसे बनेगा अल्फा सर, थोड़ा सा इसको डिटेल ले जाता हूं, वैसे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो तो इसको ले जाते हैं थोड़ा डिटेल में, कैसे भाई वो अल्फा बना। सो लेट दिस बी दैट बॉडी, ये वाला एंगल हमारा अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ठीक है, जिसको हम एम जी कह रहे हैं, तो इसमें एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट बनेगा। हम रिजॉल्व कर रहे हैं बेसिकली एम जी को दो कंपोनेंट्स में, पर उसके लिए ये एंगल को मैंने अल्फा कहा। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा कैसे हुआ सर, तो देखो ये एंगल तो 90 है, मानते हो वर्टिकली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो दिस एंगल इज 90, ओके, एंड इफ दिस एंगल इज 90, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये हो गया 90 माइनस अल्फा, सही है। कैसे 90 माइनस अल्फा हुआ, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये 90 है, ये अल्फा है, अगर ये 90 है तो यानी इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 होगा, इफ दिस इज अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब सबको ऐड कर दो ना, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। अब यहां पर आप समझो यार, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, अब ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर मतलब ओवरऑल ये कितना आया, अगर समझो आप इसको ऐड कर रहे हो, 90 माइनस अल्फा प्लस 90 कितना है, ये कैंसिल हो गया और ये चीज हो गई 180, तो ये सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180, ठीक है, ठीक है। तो यानी अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये वाला कितना बनेगा, देखो बिकॉज ऑल ये वाली चीज तो 90 है, देखो ये वाला बड़ा वाला जो एंगल दिख रहा है ये 90 है, अगर ये 90 है, दिस इज अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया अल्फा। सो देयरफॉर अब इतना ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप समझ लिया करो ये वाली चीज कितनी होगी, दिस विल बी अल्फा, अगर ये अल्फा हो गया, ये एम जी है, तो यहां पर हो गया एम जी कॉस अल्फा। याद रखो जहां पर एंगल होता है वो वाला साइड कॉस बन जाता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है ये वाला बन जाएगा एम जी साइन अल्फा। ओके ठीक है भाई, चलो साइन अल्फा हो गया। अब ये इस तरफ स्लाइड कर रहा है, यानी यहां पर मूव कर रहा है, अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है तो जो फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। ओके एंड दिस इज जस्ट, मतलब ये अभी जो है स्लाइड करना शुरू हुआ है, मतलब ये वाली चीज इसको बिल्कुल बैलेंस कर रही है, और यहां पर जो हमारा रिएक्शन है सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पता ही होगा, तो इसको जो है ये बैलेंस कर रहा है, आप समझो इसको ये बैलेंस कर रहा है और ये वाले को ये बैलेंस कर रहा है, तो आई कैन राइट दैट एफ इज इक्वल टू दिस,
यानी mg sin alpha, ओके, और r इज इक्वल टू mg cos alpha, r इज इक्वल टू mg cos alpha, ओके। अब मैं डिवाइड करूं दोनों को, अगर डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा f अपॉन r इज इक्वल टू mg sin alpha बाय mg cos alpha, ये कैंसिल हो गया, sin बाय cos कितना हो गया, tan alpha इज f अपॉन r, लेकिन f अपॉन r को हमने ऑलरेडी क्या कहा है, देखो इट इज म्यू, यानी ये चीज हो गई म्यू, यानी कि मैं कह सकता हूं tan alpha इज इक्वल टू म्यू। अभी देखो एक चीज और, इधर पे हमने कहा था tan theta इज म्यू और इधर कह रहे हैं tan alpha इज म्यू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ theta इज इक्वल टू alpha, इसका मतलब है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की जो वैल्यू है वो सेम होती है, यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ओके। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, इसके बाद इसके ऊपर के जो काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी सिचुएशन बनाएंगे कि अगर ये जो एंगल हमने लिया है इस एंगल पे तो स्लाइड करना शुरू करता है, अगर इससे कम एंगल लेके अगर हम रखें ऑब्जेक्ट को इससे कम एंगल पे तो क्या होगा, स्लाइड तो करेगा नहीं, कितना फोर्स लगेगा उसको ऊपर मूव करने में, कितना फोर्स लगेगा नीचे मूव करने में, तो ऐसी चीजें हम यहां पर सिचुएशंस देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लेन का कितना है, इट इज थीटा, एंड लेट अस सपोज कि ये जो थीटा है हियर इट इज ग्रेटर देन अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा वो एंगल है जब कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देता है, और हमने क्या एंगल लिया हुआ है, हमने अल्फा से भी ज्यादा एंगल लिया, मान लो 50 डिग्री पे ये स्लाइड करता है और हमने लिया 60 डिग्री लिया हमने, तो क्या होगा, तो यहां पर ऑब्वियसली ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, और सिर्फ स्लाइड ही क्यों करेगा, उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा, सो दिस विल बी स्लाइडिंग विथ सम एक्सेलरेशन, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन भी क्यों है, बिकॉज देयर इज फोर्स, सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, राइट। तो यानी कि यहां पर ये किसी फोर्स की वजह से यहां पर ये एक्सेलरेटेड है, ओके। तो ऐसे में फिलहाल मैं लिखता हूं लेट दैट एक्सेलरेशन बी ए, ओके। अब पहले हमको एग्जैक्टली इसी ए का जो जो ये वैल्यू है वो अगर ऑब्टेन करना हो तो कैसे होगा, सो यानी दिस इज फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइन सरफेस, कैसे निकालेंगे, ओके। तो बेसिक चीज है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है mg, अगर ये mg है तो यहां पर दो कंपोनेंट्स बन जाने हैं ऑब्वियसली, mg के दो कंपोनेंट्स, इफ दिस इज थीटा दिस विल बिकम थीटा, यहां पर हो जाएगा ये mg cos थीटा और ये बन जाएगा mg sin थीटा, ओके। अब जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ओके। ये हो गया अपना फ्रिक्शन f। अब एक्सेलरेट नीचे की तरफ, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि इन दोनों फोर्सेस में बड़ा फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियसली mg sin थीटा, तभी बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, है ना। तो यानी f और mg sin थीटा में mg sin थीटा ज्यादा है, ओके। एंड व्हाट अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, एक और फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, ये इस mg है ना, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से, तुम्हारे सरफेस से नॉर्मल होता है, यानी कि ऐसा हो जाएगा दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जो एग्जैक्टली mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। क्यों सर, कैसे पता चल रहा है, ना तो ये नीचे की तरफ आ रहा है इधर, ना तो ये इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब आई कैन डायरेक्टली से दैट r इज इक्वल टू mg cos थीटा, अच्छी बात है, राइट। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले में या फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वाले में भी हमने जो लॉ जो पढ़ा वो क्या है, इट इज इक्वल टू म्यू इनटू आर, यानी ये चीज भी हमको पता है, ओके। अभी जो हमारा रियल, बिकॉज हमको यहां पर फोकस देखो क्या करना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है, सो आई विल प्रोसीड फॉर दैट। देखो दो फोर्सेस है, एक है mg sin थीटा और उसको अपोज करने वाला है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
कौन सा फोर्स ज्यादा है हमको पता चल रहा है, बॉडी यहाँ एक्सेलरेट, मतलब ये फोर्स एक्सीड कर रहा है, कितना एक्सीड कर रहा है, जिस भी वैल्यू से एक्सीड कर रहा होगा, मान लो 2 न्यूटन से ज्यादा होगा, तो वो 2 न्यूटन से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो आई विल से दैट कि जो नेट फोर्स है, पहले मैं एक्सेलरेशन लिखता, लेट दैट बी नेट फोर्स। सो नेट फोर्स क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑन द इन द टू फोर्सेस, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, है ना। ये समझो कि ये 10 न्यूटन का है और ये मान लो कि 8 न्यूटन का है, तो बचा हुआ जो 2 न्यूटन है उसी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो वही डिफरेंस लिख रहे हैं हम, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। अभी इस फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एम इंटू ए, एंड दिस इज एम जी साइन थीटा, और इस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर, दिस इज नथिंग बट म्यू आर, एंड व्हाट इज आर, आर की वैल्यू उठा के यहां से डाल लो, सो देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर, क्या है, एम जी कॉस थीटा, सब में से एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी गेट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एज, दोनों में से जी को कॉमन निकाल लो, सो ए इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो गया हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अगर एक्सेलरेशन निकालना हो, बिकॉज द एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कि ये जो साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा का जो पैटर्न है, उस हिसाब से दिस एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी लेस देन ग्रेविटी, और लॉजिकली भी सही है। ग्रेविटी, अगर हम ऑब्जेक्ट को सीधे फ्री फॉल कराते हैं, उस केस में उस पर जी जितना एक्सेलरेशन लगता है, ये थोड़ा ना फ्री फॉल है, ये तो फिर भी एक सपोर्ट मिल रहा है नीचे से, तो ये जी जितना कैसे होगा, ये जी से ज्यादा कैसे होगा, जी से कम ही होगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज लेस देन जी, ठीक है। अब मान लो एक और हम सिनारियो अज्यूम करते हैं कि दिस थीटा इज लेस देन अल्फा, अगर थीटा अल्फा से कम है, अल्फा मतलब अल्फा वो एंगल है जब वो ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है, अगर हमने वो एंगल को उस अल्फा से भी कम रखा है, मतलब स्लाइड करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो क्या होगा, इन दैट केस डायग्राम उसमें भी हम बना लेते हैं, कोई फर्क तो है नहीं वैसे, पर हम फिर भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज एम जी, ये वाला हमने थीटा रखा है विच इज लेस देन अल्फा, स्लाइड करने वाला नहीं है, ओके। दिस ऑल्सो बिकम्स थीटा, ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा, यहां बन जाता है एम जी साइन थीटा, ओके। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाता है आर, और फ्रिक्शन का फिलहाल मैं डायरेक्शन नहीं लिखता, देखो अगर फिलहाल बॉडी जहां पे आप मूव कराओगे उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड कर, तो आई एम नॉट राइटिंग द फ्रिक्शन फॉर नाउ। अगर इसमें हमको ऑब्वियसली बॉडी तो मूव करने वाला नहीं है, तो हमको मूव कराना है। अब मूव कराने का भी दो चीज, दो डायरेक्शन हो सकता है, कि या तो उसको आपको ऊपर ले जाना है या तो नीचे ले आना है। क्वेश्चन या ये होगा कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अप द इंक्लाइन प्लेन, या फिर टेकिंग इट डाउन द इंक्लाइन प्लेन। सो मैं लिख देता हूं मिनिमम फोर्स टू टेक द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन, ऊपर की तरफ मूव करना हो, अगर यहां मूव करना हो, सो कितना फोर्स लगने वाला है वो करने में, सो लेट दैट मिनिमम फोर्स बी एफ, ठीक है। तो ये वाला फोर्स जो है, अगर इधर लगाना है, इधर खींचना है आपको, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हमारे मोशन से अपोजिट हो जाएगा, सो दिस विल बी द फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में आपको कितना फोर्स लगाना होगा इन दोनों के कसम, क्योंकि ये और ये हमको अपोज करेंगे, तो इन दोनों को तो बैलेंस करना ही है। सो द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड विल बी, इट विल बी एम जी साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड हेंस दैट विल बी एम जी साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना हो जाता है म्यू आर, और आर की वैल्यू देख लो अब क्या है, एम जी कॉस थीटा, सो दिस इज बेसिकली म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ये हमारा यहां पर मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड हुआ, इतना फोर्स लगने वाला है अगर आपको बॉडी को ऊपर की तरफ एटलीस्ट मूव करना है। एम जी निकाल लो कॉमन, ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा,
ओके, ये हो गया मिनिमम फोर्स टू टेक इट अपवर्ड्स विदाउट एनी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अगर लाना है, अगर मान लो ये बोला है कि चलो इसको ए जितना एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना है, तो ए जितना एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना, तो ये फोर्स तो लगेगा एटलीस्ट ऊपर ले जाने को, प्लस एक्सेलरेशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट. तो अगर ये इससे क्या होगा, जस्ट मूविंग अप होगा. अगर हमको मूव अप करना है विथ एक्सेलरेशन ए, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी mg, ये तो लगने ही वाला है, mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा प्लस ma, ठीक है, बिकॉज आपको ये एक्सेलरेशन देना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो ये फोर्स प्लस इतना फोर्स लगाओगे तब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ओके, तो ये याद रखो, ये अलग फॉर्मूला, बिना एक्सेलरेशन के ऊपर ले जाना है, ये अगर a जितने एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना है. ओके, अगर हमको मान लो ऊपर नहीं, उसको नीचे ले जाना है, इन दैट केस क्या होगा, सो मिनिमम फोर्स टू टेक द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की तरफ ले आना है. तो अगर नीचे की तरफ ले आना है, मतलब हमको फोर्स कहां लगाना है, यहां पर लगाना है. अगर हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, मूव इधर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन हमेशा हमसे अपोजिट चलता है, ठीक है. तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारा फोर्स कितना लगेगा, तो देखो ऑलरेडी हमको साथ देने के लिए पहले से एक चीज मौजूद है, दैट इज एम जी साइन थीटा हमारे डायरेक्शन में. तो यानी कि हमको कम से कम, देखो हमको अगर ये एम जी साइन थीटा नहीं होता तो इतना फोर्स लगाना पड़ता, पर क्योंकि एम जी साइन थीटा हमारा साथ दे रहा है, तो वो उसमें से माइनस कर लो, सही है. सो दैट द फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर एम जी साइन थीटा नहीं होता तो सिर्फ इतना लगाना पड़ता, पर क्योंकि ये हमारे साथ है तो हमको इतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यानी कि इसमें से एम जी साइन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लो. देयरफॉर द फोर्स विल बी इक्वल टू, द फोर्स विल बी इक्वल टू ये वाला फोर्स, यानी फ्रिक्शन है, म्यू आर है, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, तो यानी कि म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. सो दिस इज दैट फोर्स विच इज नीडेड टू टेक इट एटलीस्ट डाउन. सो एफ इज इक्वल टू एम जी निकल गया कॉमन, ये बचा है म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये वो मिनिमम फोर्स है जिससे वो नीचे की तरफ जाएगा. अच्छा, अगर अगर मान लो कि तुमको वर्क पूछा है कि भाई वर्क निकालो, व्हाट इज व्हाट शुड व्हाट विल बी द मिनिमम वर्क डन, तो वर्क डन के लिए क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अगर दिया हो ऊपर या नीचे की तरफ, तो बस जो फोर्स मिला है उसमें इंटू एस कर लोगे, यही एफ इंटू एस कर लोगे, तो उससे क्या मिलेगा, उससे हमको वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है. सो सिंपली जो भी हमको फोर्स का फॉर्मूला मिला है, इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो उससे वर्क डन मिलेगा, कितना वर्क होने वाला है या लगने वाला है वहां पर, ठीक है. ऐसे ही अगर मान लो कि प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और वहां पर जो हमको मूवमेंट करना है, उधर पे हमको फोर्स लगाना है, उधर फ्रिक्शन है एफ विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और आर क्या होता है एम इंटू जी. सो इन दैट केस एफ इज इक्वल टू, है ना, क्योंकि देखो वहां पर डायरेक्टली mg नीचे की तरफ है, r ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्टली r इज इक्वल टू mg हो गया, वहां पर r इज इक्वल टू mg cos थीटा नहीं होगा, उसमें r इक्वल टू mg होगा. सो द अप्लाइड फोर्स देयर विल बी इक्वल टू, कितना फोर्स होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू लिख दो. सो द फोर्स विल बी इक्वल टू जितना फ्रिक्शन में, और फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू इंटू आर, और सो देयरफॉर म्यू इंटू आर, और r क्या है, r इज इक्वल टू mg है, तो ये फोर्स हो गया. सो व्हाट इज अ वर्क डन, अगर आपको डिस्प्लेस करना है s जितनी वैल्यू से, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज म्यू mg इनटू s कर दोगे, ठीक है. सो दैट विल बी वर्क डन, सो w इज इक्वल टू म्यू mg इनटू s, फ्लैट सरफेस है तो ये चीजें जो है ना, अपने आप से आप इसको बना सकते हो. देखो यहां पर अगर कंडीशन अगर आपको फ्रेम करने आ गए, फोर्सेस के बारे में अगर पता चलने लगे, तो ये चीज बहुत आसान हो जाएगी. आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करिए, बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा. लेवल समझिए कि पहले हमको सीधे एकदम हाई लेवल पे नहीं,
ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद उसको आगे बढ़ाइए। और यहां पर हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स में, जो सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो हम डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं, ये बहुत कह सकते हो मतलब स्कूल एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आता ही है, पूछा ही जाता है। तो इस चीज़ को आप देखो और कंसेप्ट इतना क्लियर होगा इसके ऊपर कि आप न्यूमेरिकल्स भी बना पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है, कौन से फोर्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक स्टोन है और उसको एक थ्रेड से बांधा गया है, ठीक है, एक स्ट्रिंग कह दो, थ्रेड या स्ट्रिंग कह दो, तो उससे एक पत्थर को बांध दिया है, उसको हम घुमा रहे हैं ऐसे गोल गोल। तो जब उसको हम घुमा रहे हैं तो वहां पर एक फोर्स है जो अपने आप से, जो नेचुरली वहां पर लग गया। एंड कोई भी चीज को जब गोल घुमाना होता है तो एक फोर्स है जो हमेशा वहां पर काम आता है फॉर दैट सर्क्युलर मोशन। एंड वॉट इज दैट फोर्स? इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है वो? उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो इसका डायरेक्शन क्या दिखाया मैंने, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है तो सेंटर की तरफ उसको एक फोर्स है जो खींच रहा है और जिस वजह से वो ये सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। विच इज दैट फोर्स? कौन सा फोर्स है यहां पर जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? यहां पर इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सन और प्लैनेट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसी रीजन से, उसी फोर्स की वजह से यहां पर सेंटर की तरफ वो प्लैनेट खींचा जा रहा है। एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर जो सर्कुलर मोशन के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई ना कोई होना चाहिए जो वो ऑफर कर पाए। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर दैट सर्कुलर मोशन। ओके, उसी तरह से जब मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं तो यहां पर कौन है जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? तो इट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। धागे के अंदर एक जो फोर्स ऑफ टेंशन होता है, That tension is providing the necessary centripetal force, जो यहां पर circular motion करने के लिए centripetal force needed है, वो tension से provide हो रहा है। ऐसे ही जब हम किसी atom की बात करते हैं तो वहां पर center में उसका एक positive charge होता है, nucleus, है ना, which is containing proton and neutron। तो nucleus का जो protons का तो charge positive है, neutron का zero, तो overall nucleus का charge positive होता है और जो electron revolve करते हैं उसका charge negative होता है। तो आपको पता है कि opposite charge attract करते हैं कौन से force से? electrostatic force से। तो वहां पर जो electron को जो घूमने के लिए centripetal force चाहिए वो कौन provide कर रहा है? It is provided by that electrostatic force of attraction between that electron and the positive charge, positively charged nucleus। तो ये बात को समझो कि हमेशा सर्कुलर मोशन है तो उधर पे कहीं ना कहीं से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, तभी वो सर्कुलर मोशन हो पा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पहले एक सिंपल सी बात ये समझ लो कि वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है। इसकी लॉजिक क्या है वो भी समझ लो कि जब हम उस थ्रेड को, है ना, उस स्टोन से बांधा है हमने और जब हम उसको घुमा रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं वो भी सोचो कि हम उसको लगातार सेंटर की तरफ पुल करें। अगर स्टोन यहां है तो हम उसको इधर खींच रहे हैं, अगर इधर है तो इधर खींच रहे हैं, तो बेसिकली वो जहां भी है उसको हम सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं और जिससे हमको लग तो रहा है कि ऐसे घुमा रहे हैं पर वो हम हर पॉइंट पे उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं। सो वी आर क्रिएटिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअली यहां पर हेल्प कर रहा है इस चीज में। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का सर ये तो समझ में आ गया कि इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, पर इसका कोई फॉर्मूला है क्या, इसका अपना कोई फॉर्मूला है क्या? तो वो फॉर्मूला बिल्कुल है, एंड इट इज गिवन बाय एमवी स्क्वायर बाय आर। याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है इट इज गिवन बाय एमवी स्क्वायर बाय आर। एम क्या होता है? मास ऑफ दैट पार्टिकल और दैट बॉडी जो यहां घूम रहा है, ठीक है, वी यानी उसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो, ओके, एंड आर क्या है? आर इसका रेडियस है। ओके, तो यानी कि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है, हमेशा याद रखो किसी भी केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम इज द मास ऑफ दैट बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वी इज द वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी, एंड आर क्या है? उस सर्कल का जो रेडियस है। ठीक है, अभी एक और फोर्स है जो यहां पर रिएक्शन के तौर पर आता है,
फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो हमने पढ़ा है। यहां पर भी एक फोर्स है जो रिएक्शन के तौर पे आता है एंड दैट इज द स्यूडो फोर्स। ये रियल फोर्स है, रियल और स्यूडो फोर्स के बारे में और जब आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो यहां पर एक और फोर्स है जो आता है एंड दैट फोर्स इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप मतलब लॉजिकली सोचो तो हर चीज में एक टेंडेंसी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, जिसके तहत कोई भी बॉडी जो है जब वो मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा, वो अपने आप से डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं। तो यहां पर भी इस पार्टिकल के पास भी जब वो यहां पर है तो एक्चुअली उसको स्ट्रेट लाइन में जाने की एक टेंडेंसी है, ठीक है। तो वो टेंडेंसी जो है दैट गिव्स राइज टू अनदर फोर्स दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वैसे वो सेंट्रीपेटल को बैलेंस करने के लिए वो बड़ा काम आता है, बट यहां पर हम अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल की तो वो मतलब अगर थियोरी के हिसाब से बात करें तो वो क्या है, वो वाला फोर्स है जो बॉडी को स्ट्रेट ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। सेंट्रीपेटल क्या करता है, वो उसी को पकड़ने के लिए एक्ट करता है ताकि वो गोल घूम पाए, समझिए। तो सेंट्रीफ्यूगल का भी फॉर्मूला जो है अलग नहीं होता, इट इज बेसिकली रिएक्शन। तो यहां पर वो भी एमवी स्क्वायर बाय आर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, फिलहाल ये याद रखो सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, इट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है तो यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी। सपोज हम बात कर रहे हैं एक व्हीकल, एक गाड़ी जो टर्न है, एक कर्व रोड है, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कुलर रोड है, वहां पर टर्न लेने वाला है, तो वहां पर कैसे इस चीज का यूज होता है वो भी देख लेता है। तो लाइक मान लो ऑलमोस्ट जो टर्न है वो कुछ ऐसा है, ऑलमोस्ट लाइक अ सर्कल, ठीक है, ऐसा एक टर्न। अब यहां पर इस केस में मान लो इस टर्न का ये सेंटर हो गया, लेट दैट पॉइंट बी कॉल्ड ओ, और गाड़ी यहां पर है, गाड़ी यहां से घूम के ऐसे जाने वाली है। अभी फिलहाल हम अज्यूम करते हैं कि गाड़ी जो है वो इधर पे है, अजीब बन गई पर ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है। ओके, तो ये जो हमारा व्हीकल है, कौन सा व्हीकल हम सामने से देख रहे हैं, ये समझो ये हेडलाइट है ऐसा कुछ, मतलब या टेल लाइट जो भी है, बैक लाइट, ठीक है, यहां जा रहा है गाड़ी, सपोज यहां जा रहा है। तो ऐसे में उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो एक फोर्स है, देखो इसको थोड़ा सा यहां पर हम देखते हैं, सपोज दिस इज दैट व्हीकल, एक फोर्स है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एंड विच इज दैट फोर्स जो हमेशा होता है, इट इज द वेट दैट इज मास इनटू ग्रेविटी। और इस सरफेस पे जो सरफेस उसको रिएक्शन दे रहा है दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं या काफी टाइम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो एमजी जो है वो आर से बैलेंस हो रहा है, इसलिए बॉडी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो आई कैन सिंपली से दैट आर इज इक्वल टू एमजी, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। ओके, ये मैं एक इक्वेशन बना लेता हूं, ठीक है। अगर इस बॉडी को गोल घूमना है, देखो अब हम फिर से वही लॉजिक पे आ रहे हैं कि अगर कोई भी चीज को गोल घूमना है तो वहां पर क्या चाहिए होता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए। सो कहीं ना कहीं से वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलना चाहिए जो एग्जैक्टली यहां पर वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर सकता। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से आएगा, जैसे एक एटम में इट वॉज द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, जैसे प्लैनेटरी सिस्टम में, सोलार सिस्टम में ग्रेविटेशन फोर्स था जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, यहां पर कौन है जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो इधर पे आप थोड़ा ध्यान से सोचो को, ना तो कोई धागा है ना तो यहां पर ऐसा ग्रेविटेशन फोर्स इधर तो एक्ट नहीं कर रहा, तो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन के अंडर ही इसको पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली वो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको थोड़ा सोचना शुरू करो कि जब गाड़ी, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी स्किड होके बाहर निकल जाती, स्किड होके और सेंट्रीफ्यूगल के इन्फ्लुएंस में वो बाहर निकल जाती है, सिर्फ तेजी से आते तो यहां से निकल जाती, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली क्या निकालने वाले हैं, हम एग्जैक्टली मैक्सिमम सेफ स्पीड निकालेंगे किसी व्हीकल का। ये आपको पता है कि जब भी कहीं गाड़ी हमको अगर टर्न लेना होता है तो वहां गाड़ी को स्लो करना होता है, अदरवाइज गाड़ी तो बाहर निकल जाएगी रोड के ट्रैक से। तो यहां पर क्या स्पीड हो सकती है, अगर हमारा जो रेडियस है, इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर,
तो क्या स्पीड हो सकती है मैक्सिमम जो सेफली हमको यहाँ टर्न करा दे, उससे ज्यादा स्पीड नहीं लेनी। तो वही मैक्सिमम वी मैक्स का हम बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला निकाल रहे हैं। वी मैक्स वो भी कैसा रोड है, एकदम लेवल रोड है, ठीक है। अभी हम बैंकिंग ऑफ रोड, बैंक्ड रोड वाले कंसेप्ट नहीं, इसके बाद देखेंगे वो चीज, ठीक है। लेवल रोड में फ्लैट रोड है, तो ऐसे में ये फोर्स तो समझ आ गया। और एक और फोर्स हमने अभी देखा कि भाई सेंटर की तरफ वो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली पकड़ के रख रहा है उस गाड़ी को, नहीं तो बाहर निकल जाता। तो सेंटर की तरफ पकड़ने में कौन रोल प्ले कर रहा है, सो इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर ये फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज प्रोवाइडिंग दैट, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते चलो, ठीक है, जो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बात को समझ लो कि फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब कंडीशन ये है कि गाड़ी ना इधर जा रहा ना इधर आ रहा है, मतलब ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, ये फिलहाल घूमेगा इधर यहीं पे, यहां से टर्न लेने वाला है। तो यानी ये कौन सा फ्रिक्शन है, क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है? दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होता तो वो कब एक्ट करता है, जब गाड़ी एग्जैक्टली उस फ्रिक्शन के अपोजिट में मूव करने लगे, पर ये बाहर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो यानी ये कौन सा है, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ये समझ लो। ओके, सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है वहां पर आते हैं। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वी इज द वेलोसिटी, ठीक है, एम इज द मास ऑफ दैट व्हीकल, और आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं वी मैक्स की, द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगी, तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या होगा, फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड द सेंट्रीपेटल फोर्स, देखो इस चीज को ध्यान से समझना, हमारा देखो ये सेंट्रीपेटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स से हमेशा ज्यादा या इक्वल हो सकता है। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया, बिकॉज देखो जो होलसेलर है वो यही है जो ये प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर किसी तरह से ये चीज ज्यादा हो गई, डिमांड ही ज्यादा हो गया, तो हमारा फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम कंडीशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि द सेंट्रीपेटल फोर्स शुड बी लेस देन और एट द मैक्स इट कैन बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। इट शुड बी लेस देन, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ज्यादा या इक्वल हो सकता है। क्योंकि अगर सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से भी ज्यादा हो गई, तब तो फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा और गाड़ी बाहर स्किड कर जाएगी, इस चीज को समझो। सो द सेंट्रीपेटल फोर्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज वैल्यूज डाल दो यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स की, मैक्सिमम के हिसाब से कर रहे हैं तो हम एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, पर हम मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं, तो एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, अब ये स्टैटिक वाला है तो म्यू एस, ठीक है, आर की वैल्यू यहां से डाल लो, सो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी या फिर म्यू एस इंटू एम जी, बस उसकी वैल्यू यहां पुट कर लो फ्रिक्शन की, दैट इज म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है, एम दोनों साइड से हो गया कैंसिल, सो देयरफॉर वी मैक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और ये आर यहां चला गया आर इंटू जी, सो देयरफॉर मैक्स कंडीशन क्या हो सकता है, एट द मैक्स हमारी वेलोसिटी क्या हो सकती है, क्योंकि ये हम वी स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हैं, यहां पर मैक्स वाला चीज मत डालो, ये हम वी स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हैं। मैक्स के लिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, तो अब ले लो उसको, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू या शुड बी इक्वल टू म्यू एस आर जी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो इस रोड, इस रेडियस के रोड पे हो सकती है, ठीक है, इट इज म्यू एस इंटू आर जी, ठीक है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं कि ये वो फॉर्मूला है जिससे कि हम मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर, इससे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर अगर ली तो गाड़ी बाहर स्किड कर जाएगी। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा अपना साइंस इंट्रोड्यूस करते हैं
कि अगर हम चाहते हैं फिर भी कि इससे भी ज्यादा वेलोसिटी हो, मान लो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है सम 70 किलोमीटर पर आवर या समझो कि कुछ 60 किलोमीटर पर आवर, पर हम चाहते हैं कि नहीं भाई उस जगह से कोई गाड़ी 120 की स्पीड से ही निकले या 100 की स्पीड से ही निकले, यानी व्हीकल की स्पीड कम ना करनी पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक रोड में चेंजेस करने होते हैं. व्हाट इज दैट चेंज? कि रोड में थोड़ा एलिवेशन देना होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि वो अंदर की तरफ थोड़ा वो झुका रहे और बाहर की तरफ उठा हुआ रहे. दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. तो लाइक गाड़ी जो है ऐसे जा रही थी, अब थोड़ा सा टर्न होके ऐसे जाएगी, ऐसे रहेगी, रोड जो है थोड़ा सा ऐसा टर्न रहेगा. दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. और जब रोड में बैंकिंग करी जाती है तो यहाँ पर स्पीड, ये मैक्स स्पीड का जो वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जा सकता है. तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी को जो वी मैक्स है या उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रख के भी हम टर्न ले पाएँ, तो उसके लिए हमको रोड में बैंकिंग करनी पड़ती है. या एक और चीज़ करना हो सकता है कि अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें टर्न करना होता है. फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें, हम यहाँ पर बैंकिंग के हिसाब से चीज़ें करेंगे. मोटरसाइकिल नहीं, अगर कार है तो थोड़ी ना हम उसको वैसे टर्न कर पाएंगे, ठीक है. तो हम यहां पर अब जो करने वाले हैं दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड. सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, देखते हैं. सो गाइस यहां पर बैंकिंग ऑफ रोड की हम बात कर रहे थे. बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? अभी मैंने बताया था कि जो टर्न है उसमें अंदर की तरफ, ठीक है, जैसे कि यहां पर ऐसे टर्न हो रहा है तो इनर साइड में अंदर रखना है और आउटर साइड को उसको रेज कर देना है, राइट, कुछ ऐसे. तो अगर ऐसा टर्न है तो यहां पर आउटर साइड को रेज कर देना है. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, सॉरी, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, एंगल ऑफ बैंकिंग इसको कहते हैं. ये वाला जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा कहा जाता है, कि आउटर एज को इनर एज से कितना रेज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग. अगेन, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है पहले उसका डेफिनेशन देख लो. द फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड अबाउट द इनर एज इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. तो यानी रोड में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देने से, ये टर्न को फ्लैट रखने से अच्छा थोड़ा सा ऐसा कर देने से, गाड़ी जब ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हम स्पीड को थोड़ा ज्यादा रख पाएंगे जो फ्लैट रोड है उसकी कंपेरिजन में. सो क्या होता है ऐसे केस में वो देखिए. तो पहले तो जो नॉर्मली जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो देखो, वेट जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, देख सकते हो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है तो उस हिसाब से ये वर्टिकल हुआ. सो दिस इज mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो सरफेस, जैसा भी सरफेस यहाँ पर इंक्लाइन है तो उससे परपेंडिकुलर होता है. देखो इससे परपेंडिकुलर है ये वाली चीज से, ओके. एंड जो फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता गाड़ी स्किड करके बाहर निकल जाती, तो बाहर निकलने से प्रिवेंट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है. सो दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फोर्स को थोड़ा सा रिजॉल्व करके और समझने की कोशिश करते हैं. लाइक कि अगर मैं इन सभी फोर्सेस जो भी हैं उनको मैं इस दो लाइन में समझने की कोशिश करूं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है. इफ दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, तो बताओ कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा ना, जेड अल्टरनेट एंगल फॉर्म करेगा. तो अगर ये फ्रिक्शन एफ है इस डायरेक्शन में, तो यहां पर थीटा के साइड में क्या आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस. तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, यहां वाला, दिस विल बिकम एफ साइन थीटा. तो जैसे कोई भी हम वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करना यानी क्या, डिवाइड करना वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो उसमें अगर यहां पर थीटा रखा आपने तो थीटा वाला साइड बन जाता है कॉस, और जो बचा हुआ दूसरा साइड है वो बन जाता है साइन. तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए इस वेक्टर ए के. तो वैसे ही हमने f को थीटा यहां है तो ये cos थीटा आ गया और ये f sin थीटा आ गया, ओके. ऐसे ही ये जो हमारा r है नॉर्मल रिएक्शन, अब देखो यहां पर थीटा की लॉजिक क्या है, यहां थीटा था ये थीटा हो गया. नाउ दिस एंगल इज 90, ध्यान देना ये एंगल 90 है, तो यानी थीटा प्लस समथिंग इज 90. ये जो है ये एंगल को मैं समथिंग कह रहा हूं, थीटा प्लस समथिंग इज 90. अब इधर देखो, इधर भी ये समथिंग प्लस ये वाला पार्ट 90 हो गया, तो मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम थीटा. समझो इस चीज को कि ये 90 था और अब ये 90 है, ठीक है. तो अगर ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो यहां वाला पार्ट को आप x ले लो. अगर ये थीटा है तो थीटा प्लस x 90 है,
तो यहां पर अगर ये भी 90 आ रहा है तो यानी ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। सिंपल लॉजिक है। तो अगर यहां पर ये थीटा है, सो दिस, अब देखो ये आर वाला, इसको भी हम रिजोल्व कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, तो यहां हो जाएगा आर कॉस थीटा, मैंने बताया थीटा के साइड में कॉस आता है, और ये बन जाएगा आर साइन थीटा। तो अब समझ लो, अब इसको सिंप्लीफाई करके समझ लो कि यहां पर जो भी फोर्सेस हैं हमने उसको ये ऐसे रिजोल्व कर दिया, मतलब अब देख लो यहां पर है mg और उसी के डायरेक्शन में फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट है f साइन थीटा, और यहां पर इस डायरेक्शन में दो हैं, एक हो गया हमारा f cos थीटा और एक हो गया r साइन थीटा, देख सकते हो, और ऊपर की तरफ यहां पर r cos थीटा। तो समझ लो कि पहले यानी क्यों यहां पर वेलोसिटी को हम ज्यादा रख सकते हैं, क्यों हम वेलोसिटी को ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि पहले जो है जब बैंक नहीं किया था, नॉर्मली कर्व था, तो उसमें सिर्फ फ्रिक्शन था जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यहां पर फ्रिक्शन के अलावा हमारे ही गाड़ी के ऊपर जो रिएक्शन लग रहा है, वो रिएक्शन का एक और कंपोनेंट जो है, एक कंपोनेंट जुड़ गया विद द फ्रिक्शन। तो यानी कि अब सेंट्रिपेटल फोर्स को दो फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं, या सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टू फोर्सेस, एक तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है और दूसरा आर साइन थीटा। तो इस तरह से यहां पर हमारे गाड़ी का वेट ही हमको यहां पर सपोर्ट करने लगेगा टू गिव दैट वेलोसिटी, टू गिव दैट इंक्रीज्ड वेलोसिटी। ओके, तो मैं यहां पर पहले तो ये लिख दूं कि गाड़ी ना तो ऊपर जा रहा है वर्टिकली, ना नीचे आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ना तो इस तरफ है ना इस तरफ है, मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा है। अगर वो उसको बैलेंस कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन, यानी कि एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एक तो हो गया एल मेक इट इक्वेशन नंबर वन, या फिर इसको इधर ले लो आप, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। फिलहाल मैं इसको यहां तक रखता हूं, और दूसरी वाली चीज भी समझ ले जो यहां पर है, सेंट्रिपिटल फोर्स इज नाउ प्रोवाइडेड बाय द टू फोर्सेस, यानी कि जो हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर है वो दो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा, एक एफ कॉस थीटा है, एक आर साइन थीटा। आई कैन राइट दैट एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, वहीं से आ रहा है, मैं सीधे वी मैक्स के हिसाब से ही कर रहा हूं, जो चीजें हैं वी मैक्स के हिसाब से हो जाएंगी, तो यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अब इसमें आप आर की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, मतलब कैसे आएगा, हमको पता है कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, यानी कि ये वाली चीज क्या हो जाएगी, म्यू आर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं म्यू आर, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और इसमें भी इसको हम म्यू आर लिख दें, तो ये हो जाएगा म्यू आर साइन थीटा, और यहां पर ये आर कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी। इन दोनों से आर कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू एम जी, मेक इट इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। और ऐसे ही इस पार्ट में से आर कॉमन निकल जाएगा आर, और ये हो गया म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ध्यान देते रहो कि हमको क्या निकालना, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, हमको निकालना है वेलोसिटी, मैक्स वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी को कैसे भी ऑब्टेन करना है। दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, सो देखो ऊपर मेरे को v चाहिए इसलिए मैं टू को पहले ऊपर लिखता हूँ और वन को नीचे, सो दिस इज डिवाइडिंग टू बाई वन। ओके, तो ये हो जाएगा आर, और यहाँ म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, आर यहां पर हमारा रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ओके, एंड द होल अपॉन डिवाइड कर रहे हैं हम दिस टर्म, यानी आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इधर पे क्या आएगा एम जी, सो आर गेटिंग कैंसल, मास भी हो गया कैंसल, ये g और r एक साथ आ जाएंगे, तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर बाय r g, एंड दिस इज म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो अब इसको हम कैसे लिखें, देखो
ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस विल बी लाइक म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इन टू आर जी इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। सही है, वेलोसिटी का स्क्वायर है कोई नहीं, तो यहां पर हम इसको रूट में लिख देंगे इस तरफ, टेकिंग रूट बोथ द साइड। तो ये हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, पर मैं यहां पर स्टॉप नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको एग्जैक्टली देखो, जब हम अगर ये फॉर्मूला यूज करने जाते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए, तो मेरे को एक बार कॉस थीटा भी निकालना पड़ेगा, एक बार साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो क्यों हम यहां पर अलग अलग रेशियोज के टर्म में लिखे, इसको हम सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करो, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में आप इसको कॉस से डिवाइड कर लो। सो दिस विल बिकम, न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर लिया तो ये कॉस बाई कॉस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी सिंपली यहां म्यू बचेगा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, यहां पर टैन हो जाएगा, टैन थीटा, और यहां भी कॉस बाय कॉस वन हो गया, और इधर पे म्यू और साइन बाय कॉस टैन हो गया। तो यानी कि हमने यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दिया, ताकि अब दोनों एक ही रेशियो में कन्वर्ट हो गया टैन थीटा। यानी जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आसानी ये होगी कि हमको सिर्फ टैन की वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी, टैन थीटा की, और हम आसानी से वेलोसिटी ऑब्टेन कर पाएंगे। सो नाउ दिस इज दैट वेलोसिटी, मतलब अगर हमने अभी देखा कि अनबैंक रोड हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, और यहां पर आप देखो जब बैंक रोड है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा अचीव करी जा सकती है, जितना थीटा हाई रखा जाएगा उतना वेलोसिटी ज्यादा अचीव करी जा सकती है। अगर आपने जो मौत का कुआं जो सर्कस में होता है वो अगर देखा हो, तो उसमें गाड़ी ऑलमोस्ट लाइक इस तरह से चलती है। सो दैट इज ऑल बैंकिंग ऑफ रोड का ही पूरा केस है वो। ओके, अब इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाए, अगर मान लो कि अगर पूछा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, तो फिर सीधे यही फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर ये बोला गया है कि अगर रोड, अगर टायर की हालत खराब नहीं करनी, टू अवॉइड द वेयर एंड टेयर ऑफ टायर, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो उसमें आप एकदम स्मूथनेस के हिसाब से ये ले लोगे म्यू की वैल्यू जीरो। तो अगर नॉर्मली सिर्फ मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी पूछा है तो ये आप यूज कर लो। अगर ये बोला है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी टू अवॉइड द वेयर एंड टेयर ऑफ टायर, इन दैट केस म्यू को जीरो ले लो, तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, ये चीज जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, इट विल बी रूट ओवर आर जी टैन थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्लस ये जो कंसेप्ट है ये आपके न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम करा देगा। तो आप इसको एक बार और समझिए कि मैं, मतलब जिन लोगों को थोड़ा टफ लगा, एक बार और थोड़ा देखोगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का, जो डायनामिक्स ऑफ UCM यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो हमने बैंकिंग ऑफ रोड किया था उसी के, मतलब उसके आगे, इनफैक्ट उसी से कनेक्टेड नहीं, बट वो भी उसी में आता है, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये वाला टॉपिक भी आता है, दिस इज बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल की जो रेस होती है उसमें जो बाइकर्स होते हैं वो कैसे बेंड करते हैं, जहां भी टर्न होता है वहां पर बेंड करते हैं। तो उस बेंड करने से क्या एडवांटेज मिल जाता है, वहां पर एडिशनल सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पर मिल जाता है, जिससे कि उनको आसान से वो टर्न ले पाते हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हम बैंकिंग ऑफ रोड जो हमने देखा, वहां पर क्या है, वहां पर फोर व्हीलर है तो अच्छा खासा फ्रिक्शन है, चार टायर से फ्रिक्शन अच्छा खासा है, पर यहां पर क्या है, फ्रिक्शन काफी कम होता है। तो देयर शुड बी सम फोर्स जो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, है ना, कोई तो ऐसा फोर्स होना चाहिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स जिसकी वजह से एग्जिस्ट करे। ओके, तो इस वजह से यहां पर अब होता यह है कि इस वाले केस में बिकॉज फ्रिक्शन कम है, तो यहां पर जब इसको बेंड करते हैं, ये टर्न में देखो, ये जो टर्न है इसमें जब बेंड करते हैं इस साइकिल को या मोटरसाइकिल को, तो यहां पर क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये जो रिएक्शन है, ये कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट मिलता है जो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। देखते हैं, तो इधर पे देखो, अब यहां पर ये रोड है, हमारा टर्न है, एंड लेट द रेडियस ऑफ द टर्न, जो टर्न है या जो सर्कल है उसका रेडियस मैं स्मॉल आर लेता हूं, और क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो उसका वेट डाउनवर्ड्स होता है mg, और रिएक्शन होता है ऐसे ऊपर की तरफ। बट क्योंकि यहां पर इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट बेंड हो गया है, तो इसमें रिएक्शन ऐसे रहेगा। सो दिस इज दैट रिएक्शन, लेकिन वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। मैं इधर दिखाता हूं, देखो यहां पर
जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही रहेगा. सो यानी कि दिस इज एम जी जो यहाँ नीचे की तरफ रहेगा. ओके एंड जो रिएक्शन है अब हम क्या करते हैं, हम इसको रिएक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं. लेट दिस एंगल ऑफ बेंडिंग जो यहाँ पर बेंड हुआ है उस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं. तो अब देखो जब मैं इसको ऐसे रिजॉल्व कर लेता हूँ, सो इफ दिस इज थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा हो जाएगा. आप देख सकते हो ये पैरेलल लाइन, ठीक है. सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा. ओके एंड अगर ये थीटा है तो यहाँ पर आर का कंपोनेंट हो जाएगा, आर कॉस थीटा इधर आ जाएगा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बिकम आर साइन थीटा. अब आप खुद देखो कि देर इज वन फोर्स जो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम करेगा. आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है. तो कोई ना कोई होना चाहिए जो वो फोर्स जिसकी वजह से एग्जिस्ट करे. यहाँ पर रिएक्शन का ये कंपोनेंट आर साइन थीटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम करेगा. तो आई कैन डेफिनेटली राइट दैट आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और या उसका जो फॉर्मूला है वो लिख दो mv स्क्वायर बाय r. सो अगर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो v है, m है उसका मास, सो दिस विल बी mv स्क्वायर बाय r बिकॉज दिस इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. अच्छा अब यहाँ पर एक और दिख रहा है आपको जो बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, वो है mg और r cos थीटा. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ r cos थीटा इज इक्वल टू mg. अब इन दो इक्वेशन, बिकॉज हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर रिलेशन निकालना है थीटा वी रेडियस वो सब टर्म्स में, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ. तो ऐसे में ये हो जाएगा, सो लेट इट बी इक्वेशन वन, ये वाला हो गया आपका इक्वेशन टू डिवाइडिंग वन बाय टू, सो दैट विल बिकम टैन थीटा, है ना. आर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस इज टैन थीटा इज इक्वल टू एम कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी, है ना. मास कैंसिल हो गया, ये हो गया वी स्क्वायर बाय आर जी. अब इससे आप क्या बता सकते हो, इससे आप जान सकते हो कि थीटा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, बेंड करने से. नो डाउट ये जो बेंडिंग करेंगे, इस बेंड करने से यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा जिसकी वजह से वो टर्न लिया जाएगा, ठीक है. ओके नहीं तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी, यहां पर टर्न लिया जाएगा, ठीक है. बट यहां पर थीटा जो है कितना बेंड करना है, ज्यादा बेंड करेंगे तो गिर जाओगे. So, ये बेंड कितना करना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन वी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आर. मतलब एक तो वो डिपेंड कर रहा है गाड़ी के वेलोसिटी पे, ठीक है, जो उसका स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरी चीज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रेडियस. तो अब देखो डिपेंडेंस कैसा है, यू कैन सी दैट वेलोसिटी ऊपर है, तो वेलोसिटी अगर ऊपर है तो मतलब वी अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो थीटा ज्यादा रहेगा. अगर थीटा को मतलब अगर हमको थीटा कम रखना है, या फिर हम बात करते हैं फॉर सेफ टर्न, अगर हमको सेफ टर्न लेना है, देखो कि ज्यादा टर्न करोगे, ज्यादा थीटा बनाओगे, इनफैक्ट ज्यादा बेंड करोगे तो गाड़ी गिर जाएगी. तो फॉर सेफ टर्न थीटा शुड बी लेस, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना. थीटा लेस करने के लिए क्या होगा, देखो यहां पर थीटा ऊपर है, इधर वेलोसिटी स्क्वायर ऊपर है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है. इसका मतलब कि वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, अगर थीटा कम चाहिए तो आपको वेलोसिटी भी क्या रखना होगा, कम रखना होगा, ठीक है. या फिर सॉरी नॉट मतलब नॉर्मली आप स्पीड कहो तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी. तो अगर सेफ टर्न करना है थीटा को कम रखना है, थीटा को कम रखना है तो आप देख सकते हो थीटा और वेलोसिटी दोनों न्यूमरेटर में है, मतलब थीटा इज टैन थीटा, वी कैन से दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. तो v को कम, अगर थीटा को कम रखना है तो v को कम रखना होगा, मतलब स्पीड आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और एक चीज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर tan थीटा जो है और ये जो r है वो कैसे नीचे की तरफ है, इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड है. यानी कि अगर रेडियस ज्यादा होगा तो थीटा कम होगा. तो थीटा कम करने के लिए एक तो स्पीड कम रखनी है, दूसरा रेडियस को ज्यादा रखना है. मतलब जितना बड़ा सर्कल होगा उतना यहाँ पर आप सेफ इजिली टर्न कर पाओगे, ओके, या उतना हमारा थीटा का वैल्यू लेस होगा. लेकिन जितना छोटा टर्न होगा वहां पर, ठीक है, वहां पर आपका रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम होने से थीटा ज्यादा हो जाएगा, जो कि सेफ टर्न का मतलब कंडीशन नहीं है. सो फॉर सेफ टर्न थीटा शुड बी लेस, और उसके लिए वेलोसिटी या स्पीड शुड बी लेस, और दूसरा है द रेडियस ऑफ दैट टर्न ऑफ दैट कर्व रोड शुड बी मोर. ओके, तो जितना
जेंटल टर्न रहेगा, जेंटल मतलब जितना छोटा सा टर्न रहेगा उतना रिस्की हो जाएगा वहां पर, ओके। तो ये चीज हमने यहां पर समझ ली। अब देखो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, कंसेप्ट समझो कि ये जो चाहे बैंकिंग ऑफ रोड वाला सिचुएशन हो जो हमने करा हुआ था, और चाहे ये वाला केस हो, इसको हमने डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखा है। डायनामिक्स ऑफ, देखो दो बातें, डायनामिक्स मतलब क्या होता है, डायनामिक्स मतलब मैकेनिक्स का वो ब्रांच, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है, पर यहां पर वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं विथ कंसिडरिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, मतलब यहां पर फोर्स के साथ आप मोशन को कंपेयर करते हो, साथ में स्टडी करते हो, और वही हो रहा है। देखो यहां पर हम वेलोसिटी को भी ले रहे हैं और इधर पे हम रिएक्शन जैसी चीज यानी फोर्स को भी ले रहे हैं। देखो फोर्स वेलोसिटी सब साथ के साथ चल रहे हैं, इसके लिए इसको हम डायनामिक्स में रख रहे हैं। और दूसरी बात कि ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, थ्रू आउट द टर्न वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, पर इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा डायनामिक्स ही, पर वो कैसा सर्कुलर मोशन होगा जहां वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जहां पर यस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि लाइक अगर हम एक पत्थर लेते हैं, उसको हम धागा धागे से बांध के, और अगर हम ऐसे टर्न करें, मतलब ऐसा वाला सर्कल बनाए, सो दिस इज वर्टिकल सर्कल, तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी डिफरेंट होती है, मतलब इनफैक्ट यहां पर स्पीड भी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में अलग होती है, यहाँ पर स्पीड भी डिफरेंट होती है, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी डायनामिक्स हमको देखना है। तो वो वाला चीज जो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया बताइए। सो इस टॉपिक के ऊपर पहले तो आप न्यूमेरिकल्स बनाओ, ठीक है, और कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का ऑलमोस्ट जो एंड का एक टॉपिक है, दैट इज द डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको पता होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है हर पॉइंट पे सेम होती है, स्पीड नॉट वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हर पॉइंट पे क्या होती है, डिफर करती है। तो हमने जो इससे पहले जो डायनामिक्स पढ़ा था, यानी बैंकिंग ऑफ रोड है ना, टर्निंग ऑफ व्हीकल अलोंग अ कर्व रोड, तो वो सब केसेस में क्या था, गाड़ी की स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, हमने वी जो है वो कॉन्स्टेंट रखा था, सो दैट वॉज डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर जो हम केस अज्यूम कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक धागा लिया हमने सपोज, और उसको उसमें धागा पत्थर बांध के उसमें हम उसको इस तरह से यानी वर्टिकल प्लेन में हम उसको यहां पर क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसमें वेलोसिटी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, है ना, जो नॉट वेलोसिटी, जो स्पीड है वो वहां पर कॉन्स्टेंट नहीं होगी, हर पॉइंट पर डिफर करेगी। क्या कैसे देखते हैं। उससे पहले डायनामिक्स क्यों नाम दिया है इस पार्ट को, डायनामिक्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहां पर हम सिर्फ मोशन का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम मोशन का डिस्कशन अलोंग विद द कॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा मैकेनिक्स के तीन ब्रांचेस, स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, स्टैटिक्स में पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, उसके बारे में फिजिक्स, डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स विथ, है ना, वहां पर हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अलोंग विद द कॉज ऑफ मोशन, डायनामिक्स। और एक और होता है काइनेमैटिक्स, वहां पर सिर्फ हम मोशन की ही स्टडी करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन नॉल, उधर फोर्स का डिस्कशन नहीं होता। यहां पर देखो आप देख सकते हो अलग अलग फोर्सेस, वेट, टेंशन, ये सारा डिस्कशन हो रहा है अलोंग विद द मोशन, सो यहां पर हमने इसको डायनामिक्स में रखा है। ये सब चीजें बेसिक जो है समझा करो, क्यों ये टॉपिक कहां से आया ये समझना जरूरी है। So we'll be starting with motion in a vertical circle. उससे पहले एक छोटी सी बात और दी है, वो भी देख लो कि जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना, जहां पर स्पीड जो है डिफर करती है, तो इसमें ऐसा होता क्या है, क्यों होता है, तो एग्जैक्टली जैसे आपको पता होगा कि एक लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है, फोर्स अगर आ गया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगा, उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, राइट। वैसे ही जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें टॉर्क वही रोल प्ले करता है जैसे लीनियर मोशन में फोर्स कर रहा था। सो टॉर्क जो है अगर कहीं सर्कुलर मोशन में आ गया, तो टॉर्क की वजह से आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो मतलब क्या होगा सर, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। सिर्फ यही क्यों, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम जो इन सब पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें, इवन काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये समझो कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, अगर वहां पर टॉर्क आ गया तो वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वहां पर फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज होंगी।
अब हम बात करते हैं हमारे एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कल के मोशन की। तो सपोज मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि एक हमने स्ट्रिंग लिया, एक धागा लिया, उसमें हमने एक स्टोन बांध दिया, एक पत्थर छोटा सा बांध दिया, उसको हम क्या कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, यानी इस तरह से वो पत्थर जो है वो क्या कर रहा है, वो वहां पर सर्कुलेट कर रहा है या उसको सर्कुलेट कराया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती है वो हम देखते हैं। सो जस्ट चेक दिस डायग्राम। कुछ और देखने से पहले ये डायग्राम को ध्यान से देखो। तो यहां पर ही हमारा सेंटर है, मान लो जहां हमारा हाथ है वो हमारा सेंटर हुआ, ठीक है, ओके। और ये हुआ लोएस्ट पॉइंट को L से रिप्रेजेंट कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट को H से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और सपोज अभी फिलहाल हम स्टोन की बात करते हैं, वो इस पॉइंट पे है, लेट दैट पॉइंट बी P, जो कि इस वर्टिकल लाइन से थीटा जितना एंगल पे ये जो स्ट्रिंग है वो एंगल बना रहा है थीटा, ओके। एंड अगर ऑब्वियसली वो स्टोन जो है बाहर की तरफ है, मतलब इट इज हैविंग टेंडेंसी टू मूव आउट, सो यहाँ पर जो टेंशन है उसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड्स, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो ये हो गया टेंशन का डायरेक्शन। और आपको पता होगा अगर मास m है ऑब्जेक्ट का तो जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो mg जो है ये हो गया। अब हम क्या करते हैं mg को, बिकॉज दिस इज थीटा, ये थीटा हो जाएगा, है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा हो गया तो थीटा के साइड में ये कंपोनेंट mg का, ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, और जो दूसरा वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो हो गया mg sin थीटा, ठीक है। तो यानी चलो भाई ये समझ लो ये 90 डिग्री, ओके, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो यहां पर हमने mg को रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट्स में, अब आसान हो गया चीजें समझना, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट दिस पॉइंट बी v, हमने अभी कहा है भाई ये नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो चेंज होनी है हर पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट का मैंने vh लिया है, यहां का vl लेंगे हम आगे लेंगे, फिलहाल यहां का vh ले रहे, ठीक है। सो फिलहाल इस पॉइंट पे देखते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी टू मूव टेंजेंशियली, ओके। एंड ये mg cos थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया। अब हो क्या रहा है ना, अब बस आप ध्यान दो, बाकी सब पे नहीं, सिर्फ इस वाले लाइन पे ध्यान दो। यहां पर आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, और जो कहां पर एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल होता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेनली इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन वाला फोर्स, ओके, बट नॉट ऑल, क्योंकि यहां पर ये अकेला नहीं है इस लाइन में। आप देख सकते हो कि टेंशन को अपोज करने वाला एक फोर्स है mg cos थीटा। तो बेसिकली अगर ये नहीं होता तो आप लिखते t इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r, बट क्योंकि ये है जो इसको माइनस करेगा, तो यानी टेंशन में से इतना घटा दो तो बचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। So, इसके लिए यहां जो मेन इक्वेशन बनेगा वही बनेगा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है सर, यही होता ना, mv स्क्वायर बाय r। अब इससे ही हम अलग अलग चीजें ऑब्टेन करेंगे, लाइक माइनस mg cos थीटा इधर ले लिया, प्लस mg cos थीटा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझो, प्रैक्टिकली लॉजिकली भी समझो कि जब आप एक ये एग्जांपल ले सकते हो ना, बहुत ऐसा तो नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है, धागा ले लो, पत्थर लगा दो उसमें और फिर उसको घुमाओ, सबसे कम वेलोसिटी आपको पता है कि कहाँ पर होगी, ऊपर की, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी नीचे होगी, सबसे कम वेलोसिटी ऊपर होगी, ठीक है, ओके। एंड जो अगर वेलोसिटी कम है ऊपर, मतलब लाइक वेलोसिटी कम है तो धागे के ऊपर जो प्रेशर या जो जिसको हम टेंशन कहते हैं वो चीज़ भी क्या होगी, कम होगी, है ना, धागे के अंदर जो तनाव है वो सबसे कम कहां पर होगा, ऊपर की तरफ। सो टेंशन विल बी मिनिमम ऑन दैट हाईएस्ट पोजीशन, और फिर वो बढ़ता जाएगा, हाईएस्ट कहां पे रहेगा, टेंशन हाईएस्ट होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सो हियर एट दिस पोजीशन टेंशन विल बी मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, एंड एट द लोएस्ट पॉइंट यहां पर टेंशन होगा मैक्सिमम, यानी ये टेंशन का जो इक्वेशन है वो इधर मिनिमम होगा, इधर मैक्सिमम। धागे में जो तनाव है वो सबसे कम यहां रहेगा, सबसे ज्यादा यहां रहेगा। लॉजिकली भी थोड़ा हमको इसके पर सोचना चाहिए, ये तो लॉजिक हो गया। अब मैथमेटिकली देख लो क्यों कम क्यों ज्यादा। अब देखो टेंशन, बाकी सब चीजें तो ठीक है, यहां पर देखो ये कॉस थीटा पे कैसे डिपेंड कर रहा है, लाइक अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहां थीटा कितना हो जाना है 180 डिग्री, लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब ये बताओ कॉस ऑफ 180, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम क्यों होगा वो देखो। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट कॉस ऑफ 180, कॉस के बारे में पता है कि नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये कॉस की लाइन, ये साइन की लाइन,
कॉस यहां पर होता है प्लस वन और इस तरफ होता है माइनस वन, ठीक है। साइन यहां पर होता है प्लस वन और नीचे होता है माइनस वन। ये लाइन पे कॉस वाई लाइन पे साइन पूरा जीरो होता है, साइन वाई लाइन पे कॉस पूरा जीरो होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉस ऑफ 180 की, यानी 180 तो यहां पर हुआ तो यहां पर कॉस की वैल्यू देखो कितनी है माइनस वन। सो यानी कि कॉस 180 विल बी माइनस वन। तो अगर ये माइनस वन हो गया इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एम जी माइनस एम जी बन जाएगा, है ना, सिंपल है। सो देयरफोर द टेंशन विल बिकम मिनिमम, क्योंकि यहां पर क्या होता है पहले कुछ चीज ऐड हो रही थी, अब यहां पर क्या हो गया सीधे एम जी माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि कॉस की सबसे मिनिमम वैल्यू देखो माइनस वन है, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, इसका मतलब कि टेंशन भी सबसे मिनिमम उसी पॉइंट पे होगा, यानी कि उस माइनस वन कहां पर उठ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे, इसलिए यहां पर टेंशन इज मिनिमम। कहां पर, एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पर टेंशन क्या है मिनिमम है, ओके। इस लोएस्ट का भी देखेंगे हम, उसका टेंशन नहीं है, उसका टेंशन नहीं है, ओके। ये तो हो गया मिनिमम टेंशन का इक्वेशन। अब एक और बात समझो कि अगर ये टेंशन नहीं रहा, मतलब उतना टेंशन होना चाहिए, उतना टेंशन अगर नहीं रहा वहां पर, ठीक है, अगर मान लो कि वो नेगेटिव वैल्यू आई, मतलब कि लाइक ये जो वैल्यू है ना मिनिमम टेंशन की, ये या तो जीरो या तो जीरो से ज्यादा रहे तो ठीक है, बट अगर ये चीज माइनस में आ गई, नेगेटिव में आ गई ना, तब दिक्कत होगी, बिकॉज तब जो है वो धागा पूरा सर्कल कर भी नहीं पाएगा, वो हम घुमाएंगे और उतना कम टेंशन अगर हुआ तो वो यहां जा भी नहीं पाएगा, यहीं से लुढ़क जाएगा वो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लैग। तो फॉर स्ट्रिंग नॉट टू स्लैग, यानी कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट करे, पूरा लूप को जो है कंप्लीट करे, लुढ़क ना जाए बीच में से, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको टेंशन को एटलीस्ट जीरो और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, माइनस में नहीं लाना है, सो दैट टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट शुड नॉट बी नेगेटिव फॉर कंप्लीटिंग द होल लूप, अदरवाइज वो लुढ़क जाएगा बीच में से, पूरा ऊपर जा भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहां पर अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है वो डाल दो कि हाँ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि वहां की वेलोसिटी अलग होगी तो वहां का वेलोसिटी डाल दो उस वाले में। सो देयरफॉर इस इक्वेशन में एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्यों, कौन सी केस के लिए, ताकि वो पूरा लूप जो है वो कंप्लीट कर पाए, बीच में ही स्लैक ना हो, ओके। इसके बाद अगर ये ऐसा होना चाहिए तो फिर इसका मतलब है इसको इधर ले लो प्लस दैट इज एम वी एच स्क्वायर बाय आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एंड देयरफॉर एम तो हो गया कैंसल और आर को इधर ले लो तो वी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी होना चाहिए, सॉरी आर जी होना चाहिए, देयरफॉर वी एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, स्क्वायर हटा दिया तो यहां पर रूट लग जाएगा, रूट ओवर आर जी या फिर जी आर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि हमने हाईएस्ट पॉइंट के बारे में काफी कुछ पता कर लिया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होता है वर्टिकल सर्कल के केस में इट इज मिनिमम, और वो जो टेंशन है उसका इक्वेशन ये आ गया, मिनिमम वैल्यू ऐसे ऑब्टेन हो सकती है। और एक चीज कि हम चाहते हैं कि वो जो स्टोन है वो पूरा लूप कंप्लीट करे, वो यहां जाते हुए पहुंचे ही ना, लुढ़क जाए, ऐसा ना हो, अगर हम ये चाहते हैं तो हमको यहां पर उस टेंशन को नेगेटिव होने नहीं देना है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, कम से कम जीरो तो होना ही चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट दिस टर्म, क्योंकि ये है टेन मिनिमम, ये जो है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड फॉर दैट हमने देखा कि वी एच यहां की वेलोसिटी जो है या यहां की जो स्पीड है दैट शुड बी रूट ओवर जी आर, ये वैल्यू होनी चाहिए ताकि वहां पर वो लुढ़क ना जाए, ओके। तो इससे हमने इधर तो फिलहाल ये देख लिया हाईएस्ट पॉइंट के बारे में, अब देखेंगे इसके बाद लोएस्ट और किसी मिडल वाले पॉइंट के हम देख लेंगे। तो गाइज अब देखना है हमको लोएस्ट पॉइंट के लिए, लोएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट का तो हमने देख लिया, यहां पर टेंशन जो है मिनिमम होता है बिकॉज यहां पर कॉस ऑफ 180 माइनस 1 दैट इज मिनिमम वैल्यू, और हाईएस्ट कहां पर है टेंशन हाईएस्ट है इस लोएस्ट वाली पॉइंट पे, यानी नीचे वाले पॉइंट पे। तो ऐसे में यहां पर हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू प्लस वन होती है, तो यहां पर ये जो टेंशन का इक्वेशन है जनरल वाला, इसमें ये टेंशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये प्लस वन होगा, प्लस वन कब होता है थीटा इक्वल टू जीरो, यानी ये जब पत्थर यहां पर होगा,
okay? So that is tension will be maximum at the lowest point, okay? So cos of theta को zero को हमने cos of zero is plus one वो लिख दिया, तो यानी यहाँ पर हो गया tension max का equation हो गया for that lowest point T max का equation हो गया, it is equal to mv square by r plus mg, okay? ये हमारा tension का equation हो गया, ठीक है? अब हमको एक चीज और निकालनी है कि भाई जो हम looping the loop की बात कर रहे हैं कि मतलब जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट वो वाले सिचुएशन की, तो वो वाला भी देख लेते हैं हम. तो हमें यहां पर स्टार्ट करेंगे एक सिंपल सी बात, सिंपल सी लॉजिक से, कि इन दो पॉइंट्स पे, क्योंकि ये एक ही सिस्टम है और एक ही सिस्टम के प्रोसेस की बात हो रही है, तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह लगता है. तो लाइक टोटल एनर्जी चाहे इस पॉइंट की हो या इस पॉइंट की हो या फिर किसी भी पॉइंट पे, टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट होती है, है ना? टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. तो आई कैन से दैट टोटल एनर्जी एट एच शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल. अब यहां पर मान लो कि ये हमने एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर ली, तो इधर पे टोटल एनर्जी मतलब कौन सा होगा? पोटेंशियल तो होगा ही नहीं यहां पर. सो दैट विल बी सिंपली द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, वेलोसिटी यहां पर वी एल है, तो हाफ एम वी एल स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी एट एल, वो मैंने लिख दिया. सो दिस इज सिंपली द एनर्जी एट एल, क्योंकि ये अगर एकदम ग्राउंड लेवल है तो यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं कि इधर पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी एल स्क्वायर हो गया, ओके? इस पॉइंट का, तो इधर पे अगर ये ग्राउंड लेवल हमने कंसीडर किया, तो ये बताओ यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा कि यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा? बिल्कुल होगा पोटेंशियल. ये हाइट हो गया, कितना हाइट हो गया? अगर रेडियस आर है तो हाइट कितना हो गया? टू टाइम्स आर हो गया. तो हाफ मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल इज एम जी एच, राइट? सो यहां पर एम इंटू जी इंटू एच मतलब टू आर. सो देयरफॉर हमने इधर का जो टोटल एनर्जी है वो क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी इंटू टू आर, ठीक है? सो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इधर पे, क्योंकि हमने इसको एकदम ग्राउंड लेवल ले लिया, पोटेंशियल नहीं है, तो सीधे सीधे सिर्फ काइनेटिक है, और इधर पे काइनेटिक प्लस एम जी इंटू टू आर यानी पोटेंशियल है. आप बोलोगे सर यहाँ का, यहाँ पे दोनों एनर्जीज है और इधर पे सिर्फ काइनेटिक, तो इक्वल कैसे होंगे? बात समझो आप, वेलोसिटी जो है वो यहाँ कम है, इधर वेलोसिटी ज्यादा है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर हियर एंड हियर देयर विल बी, इट विल बी लेस, ये समझो, ओके? तो ये हमने लिख दिया ऐसे. इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में लूपिंग द लूप वाला, मतलब कि जो पत्थर है वो पूरी तरह से यहां पर कंप्लीट कर ले सर्कल, एटलीस्ट वो वाला सिचुएशन, तो वहां पर आई कैन डायरेक्टली पुट इस इक्वेशन में दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो सिचुएशन है वो ले आ गए हम यहां पर. तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अब वैल्यूज डालते जाओ. सो देयरफॉर फॉर दैट कंडीशन की पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, एम वी एल स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर की वैल्यू. वी एच की वैल्यू देखो हमने निकाली है ऑलरेडी, रूट ओवर जी आर, तो वो हम पुट कर लेते हैं जो हमने यहां पर ऑब्टेन किया था. सो दिस इज वी एच स्क्वायर, ये वी एच की वैल्यू है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा. सो सिंपली इट इज जी आर, और ये हो गया प्लस एम जी इंटू टू आर, या फिर मैं लिख देता हूं टू एम जी आर. तो आप यहां से एम को कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो, दोनों साइड से एम कैंसिल हो जाएगा, ओके? एंड सो दिस विल बिकम वी एल स्क्वेयर बाई टू इज ग्रेटर देन या शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो जी आर बाई टू है और ये टू जी आर है, कितना हो जाएगा? देखो जी आर बाई टू प्लस टू जी आर, सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू जो फोर प्लस वन फाइव जी आर हो जाएगा ना, फाइव जी आर बाई टू, सो दिस इज फाइव जी आर बाई टू हो जाएगा. अब ये टू को कैंसिल कर लो ऐसे, सो दिस विल बिकम वी एल स्क्वेयर इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव जी आर, दैट इज वी एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर फाइव जी आर. यहां पर ये आपका इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये पूरा ऊपर का सर्कल सबटेंड कर ले बिना स्लैक किए, तो ये हो गया वो वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है? ये तो हो गया द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड. ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, क्यों? ताकि लूप जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ओके? अब यहां पर हम एक और बात कर लेते हैं कि मिनिमम टेंशन कितना होगा ताकि
ये जो लूप है वो कंप्लीट हो जाए। मिनिमम टेंशन मतलब कहां पर, वो तो सर हमने निकाला है, अरे वो उधर का निकाला, यहां पे क्या टेंशन कम से कम इधर होना चाहिए ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, ताकि ये वेलोसिटी मिले, तो इस वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टेंशन निकालना है, तो वो इधर पे पुट कर लो आप, ये टेंशन वाला इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, वहां पर पुट कर दिया, यानी रूट ओवर 5gr हमने यहां पर पुट कर दिया, तो दैट इज m इंटू रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो सिंपली 5gr अपॉन r, ये r r कैंसिल हो गया, प्लस mg, प्लस mg, ओके, सो ये हटा दो यार, सो दैट विल बिकम 5mg प्लस mg कितना हो गया, दिस इज 6mg। तो अब यहां पर आप समझ लो कि लोएस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो वहां पर ऊपर का सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट मिनिमम वेलोसिटी शुड बी रूट ओवर 5gr, और उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन क्या होना चाहिए ताकि लूप कंप्लीट हो जाए, सो दैट इज 6mg। तो यहां पर हमने बेसिकली लोएस्ट और जो हाईएस्ट टेंशन के करस्पॉन्डिंग चीजें देख ली, कंप्लीट लूप लूप कैसे हो जाएगा वो हमने चीजें देख ली। अब इसके बाद हम एक मिडल वाले पॉइंट के हिसाब से भी कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस मिडल वाले एकदम बीच वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट होगी, ठीक है, एकदम जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट होगी वहां की बात करते हैं, उस पॉइंट पे जो जैसे हमने यहां पर देखा कि इधर जो वेलोसिटी होनी चाहिए लूप कंप्लीट करने के लिए दैट शुड बी रूट ओवर जी आर, यहां पर क्या होनी चाहिए ताकि लूप जो है पूरा हो जाए दैट इज रूट ओवर 5gr, वैसे इधर पे भी देख लेते हैं वो मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ओके, सो सिंपली आप वही लगा दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन से दैट द टोटल एनर्जी एट m इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट l, इधर का या कहीं का भी टोटल एनर्जी तो सेम ही रहेगा, सो l पे टोटल एनर्जी क्या है वो तो हमको पता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, सो दैट इज हाफ m vl स्क्वायर, m पे कितना होगा इससे कितना ज्यादा रहेगा, बस वो पोटेंशियल फैक्टर ऐड कर दो, कितना हाइट हो गया ये r, सो mgr उतना ज्यादा रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही वहां पर, हाफ m vm स्क्वायर, Vm वहां की वेलोसिटी मान लो, प्लस mg into h, इन दोनों के बीच में गैप कितना है रेडियस का, तो या दैट इज r हो जाएगा, ओके। अब आप क्या करो, जो लोएस्ट वाला जो वैल्यू है उसका यहां पर आप पुट कर लो, ये वाला वैल्यू यानी vl की वैल्यू डाल दो, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा इक्वल, एंड दिस इज m, और ये अपना रूट ओवर 5gr का स्क्वायर बराबर है हाफ m vm स्क्वायर प्लस mgr, मैं इसको इधर ले लेता हूं माइनस mgr हो जाएगा, ओके, सो दैट इज दिस vm स्क्वायर और ये हाफ m भी लिख ही देते हैं, और ये हो जाएगा देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, और उसके बाद सो दिस विल बी m 5mgr by 2 minus mgr, कितना हो जाएगा 2 1 2 mgr हो जाएगा, 5 minus 2 is 3 mgr by 2 हो जाएगा, so this will be half m v m square is equal to 3 mgr upon 2, ये cancel हो गया, m भी cancel कर लो, और therefore ये हो जाएगा v not equal, यहां पर greater than equal to, so this v m should be greater than equal to your 3gr root over 3gr, ये हो गया वो मिनिमम वेलोसिटी जो यहां होनी चाहिए ताकि वो इधर पूरा सर्कल कंप्लीट करे बिना धागे को बेंड किए, ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, सो दिस इज दैट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हियर, यानी इधर कितना रिक्वायर्ड है रूट ओवर जी आर, उसके करस्पॉन्डिंग यहां का वेलोसिटी कितना है रूट ओवर 5gr, इधर पे कितना हो गया 3 रूट ओवर 3gr, सो gr 3gr 5gr है ना, रूट में लगा दो, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग टेंशन क्या होगा, सो टेंशन रिक्वायर्ड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो उधर भी, सो दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय, अब v की वैल्यू डाल दी हमने ये वाली, सो m रूट और स्क्वायर हटा दो सीधे, सो 3gr हो गया बाय r प्लस
एम जी कॉस थीटा, यहां पर थीटा कितना होगा सर, ये वाला जो एंगल है कितना हो गया देख लो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यहां पर थीटा 90 हो गया, सो देयरफॉर कॉस ऑफ 90 क्या हो जाता है, कॉस ऑफ 90 हो जाता है जीरो, सो दैट इज यहां पर डायरेक्टली टेंशन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर कैंसिल हो गया, सो 3 एम जी दिस इज द टेंशन करस्पॉन्डिंग टू दैट लूपिंग। तो इधर का भी हमने लूप करने के लिए, लूप कंप्लीट होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी है वो ऑब्टेन कर ली रूट ओवर 3 जी आर, और टेंशन भी हमने ऑब्टेन कर लिया, इट इज 3 एम जी। ओके, इसके बाद थोड़े एप्लीकेशंस का देख लेते हैं। सो गाइज, इस वाले केस में हमने देख लिया कि क्या होता है एग्जैक्टली वर्टिकल सर्कल में, वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रहा है इनफैक्ट, और जो टेंशन है धागे में सबसे ज्यादा कब रहेगा नीचे की तरफ, सबसे कम कब रहेगा ऊपर की तरफ, हमने इक्वेशंस भी देख लिए। और अगर चाहते हो कि ये जो पत्थर है वो पूरा लूप कंप्लीट कर ले, ऐसा नहीं कि यहां पर आके फिर नीचे गिर जाए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए वो वेलोसिटी, तो यहां पर वो लिमिट है ये इधर पे, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है फॉर दैट लूपिंग इज रूट ओवर जी आर, उसके करस्पॉन्डिंग लोएस्ट पे है रूट ओवर 5 जी आर, और उसके करस्पॉन्डिंग मिडिल पे क्या है रूट ओवर 3 जी आर। ठीक है, तो अगर ऐसे बोला हो कि हाँ लोएस्ट पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए, तो वो ये है, हाईएस्ट पे क्या होनी चाहिए वो ये है, उसके करस्पॉन्डिंग मिडिल पे क्या होनी चाहिए वो ये है, मिडिल यानी कि एकदम बीच वाली पॉइंट पे, और उसी के करस्पॉन्डिंग टेंशन भी हमने देख लिया। इधर पे टेंशन क्या रहेगा लूपिंग द लूप के लिए मिनिमम के, दैट इज जीरो, इधर पे क्या हो जाएगा, है ना, हमको एटलीस्ट सर्कल कंप्लीट करना, तो जीरो हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, उससे कम यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्या होगा कि इससे पता होगा कि हाँ एग्जैक्टली लूपिंग करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, तो आप यहां पर सब में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दो ताकि वो कंडीशन आपको याद रहे। ठीक है, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात यह है कि इसके एप्लीकेशंस, जैसे कि एक बकेट में पानी भरा है और उसको रस्सी से बांधा है, उसको घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा, क्या होना चाहिए, तो वो सब इसी से बन जाएगा। आप जो भी टर्म्स है न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करिए, और हम जो है उसके ऊपर आएंगे, पहले हम ये कंसेप्ट वाइज जो है वो चीजें देख लेते हैं।